कौन हो तुम? Hey. सिक्योरिटी चल सिक्योरिटी अगर इन सबके सलामती चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो और हमें यहाँ से जाने दो। ए, ना तुझे छोड़ेंगे ना तेरे साथियों को, तो शूट कर दो इसे। ए, एक मिनट, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ सर, मामला गंभीर है सर। मेरे वहाँ पहुँचने तक कोई एक्शन मत लेना, मैं पूरी फोर्स के साथ पहुँच रहा हूँ, उन्हें बातों में उलझाए रखना, तब तक मैं पहुँच जाऊँगा। ओके सर। क्या कहा कमिश्नर ने कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, है ना? ए, मुंह बंद कर, ध्यान से सुन ले, मैं 10 तक गिनूंगा, अपने हथियार डालकर हमें यहाँ से जाने दे। अगर हथियार नहीं फेंके तो पहले तो मैं इस लड़की को मारूंगा और फिर एक एक करके अंदर के सभी लोगों को भी। ए, मैं तेरी धमकियों से नहीं डरता, समझा? एक, दो, तीन, चार, पाँच। साहब, ये लोग कसाई लगते हैं, आप इन लोगों की बात मान क्यों नहीं लेते? क्या आपको हम बेवकूफ लगते हैं? ये पुलिस की वर्दी हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, आपने क्या सोच लिया? उसने बोला तो वो सच में उसे मारेगा। ये क्या? साल? कमीने! इंस्पेक्टर, आपने हथियार नीचे फेंक दो और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। माय गॉड, बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक लोग लगते हैं। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वो जैसा कहते हैं वैसा करो। ठीक है सर, हथियार नीचे करो। ये माल हेड तक पहुंचा रहा है, माल रेडी करो जल्दी। हाँ भाई, हाँ। भाई, बाहर एक आदमी आया है बॉस से मिलने। बॉस अभी बहुत बिजी है, आके कह रहा नहीं मिल सकते। कहता है माथुर साहब ने उसे भेजा है। अबे ये माथुर कौन है? वो जो आदमी है वो उसे जानता है। वो उसे जानता होगा तो मैं भी उसे जानता हूँ, ले आओ। ठीक है, अबे अंदर आजा। नमस्ते सर, मुझे डेविड राजू सर से मिलना है। भाई डेविड राजू है, और क्या बात सर, है? मुझे काम की जरूरत है। तुझे यहाँ काम के लिए किसने भेजा? माथुर साहब ने भेजा है। माथुर कौन है? आप माथुर साहब को नहीं जानते, पर वो आपको अच्छे से जानते हैं। ए, बंद करिए माथुर माथुर का राग, चल उठिया से। ऐसा मत बोलिए सर, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, आप जो कहेंगे करूंगा। अरे चल, जा जाकर सो जा, तू पैसे कमाने के सपने ही देख, सपने की कमाई से ही खुश रहना। थैंक यू सर। ये झुंगुर कहाँ से आ गया? क्या काम कर? काम देता हूँ सर। येड़ा लगता है सच में सो गया।
अबे इसकी तो ये निकम्मा यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ भाई? भाई भाई आप ठीक तो है ना? अरे मुझे छोड़ो, उसे पकड़ो। जोकर यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं सो जाऊं और सपने देखूं तो मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसा मुझसे डेविड राजू सर ने कहा। अच्छा, हाँ ये निकम्मा झूठा है। इसने कहा कि इसे आपसे नौकरी चाहिए, इसे यहाँ से चलता करने के लिए मैंने ये झूठ कहा कि मैं ही डेविड राजू हूँ। तो मतलब आप डेविड राजू सर नहीं है? अरे बाप रे सर, डेविड राजू सर, नमस्ते सर, गलती होगी सर। अबे साले अब्बा डब्बा जब्बा, कबाब की हड्डी नहीं तू तो हड्डा, एक मिनट ठीक करता हूं तुझे। ये क्या हो गया? रुक जाओ, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। ये भी तेरी तरह ही घोंचू है, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, बस मैं जो कहूंगा वो चुपचाप करता जाएगा और इस बेवकूफ की आड़ में मैं अपने कामों को आराम से अंजाम दे पाऊंगा। हजूर, वो रेलवे ट्रैक के नीचे ब्रिज दिखाई दे रहा है? हाँ। ये सूटकेस ले और उस तरफ पहुंच जा। वहां पहुंचकर ये सेलफोन ऑन करना। हाँ। तेरे को एक फोन आएगा, वो जो बोलता है वैसा ही करना। ये सूटकेस उसे दे दे, वो तुझे दूसरा देगा, उसे मेरे पास लेकर आ। ओ चुचुंदर, ये तेरा पहला काम है, ठीक से करो और इनाम का 10,000 लेके वटा। थैंक यू भाई, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। इन्फॉर्मेशन सही है, डेविड राजू का गैंग यही है, एक लड़का भेजा है सूटकेस के साथ, पर वो दोनों यहीं रुके हैं। वेरी गुड, उन पे कड़ी नजर रखना, वो कहीं बच के जाने ना पाए। उस सूटकेस वाले लड़के को मैं संभाल लूंगा। अरे बाप रे, इतनी बड़ी ट्रेन, इसकी डिब्बी गिनता हूं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। वो इसी तरफ आ रहा है, मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा, तुम डेविड राजू और उसके आदमी को संभाल लो। ओके सर। सर सर सर, डेविड राजू भाई सुनिए सर सर। देखा, मैंने एक लात मारी तो यहाँ आके गिरा, दो लात मारूंगा तेरा आता पता नहीं रहेगा। अरे तुझे क्या लगा तेरी लात से मैं नीचे आके गिरा? ये मेरा स्टाइल है सला सर, रजनीकांत उतरता है फटाफट और मेरा स्टाइल है सला सर। क्या ख्याल है तेरी स्टाइल की? तो प्लीज सर, सबके सामने सज्जन आदमी को तो मत मारो, यहाँ तेरी बहुत इज्जत है। इज्जत की बात नहीं, कोई उधार नहीं देगा। ए, तू भाई को जानता नहीं, देते है ना तो जिगरी दोस्त होते हैं और लेते वक्त जानी दुश्मन। अरे मुझे मालूम है यार, तो पैसे क्यों नहीं लौटाता? अरे उधार मैंने नहीं, मेरे दोस्त सुंदर ने लिया था। मैं किसी को नहीं जाता, मैंने पैसे तुझे दिए थे। अरे सुनो भाई, सच बोल रहा हूँ, वो आधी रात को मेरे घर आया और बोला अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो अपनी जान दे देगा, और घबरा के मैंने उसे पैसे दे दिए। जल्दी बताओ कहाँ है, नहीं तो काट डालूंगा। नहीं पता। उसका घर कहाँ है? वो भी नहीं पता। वेरी गुड। अबे क्या सोच कर तूने उसे अपने घर में जगह दे दी? माथुर साहब ने भेजा था उसे। कौन है ये माथुर? फिर बोलेगा नहीं पता। हाँ सच में नहीं पता, वो माथुर किसी बड़ी हस्ती का नाम लगता है ना, और जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, तो मैं उसे किस मुंह से मना कर देता? तू उसे नहीं जानता,
किसने भेजा ये भी नहीं, लेकिन उसे पैसे दे दिए, वो भी 10,000। मैं तुझे जड़ा लगता हूँ क्या? पीट साले को। क्यों, कमर्शियल ब्रेक है क्या? ये सुंदर ब्रेक है प्लीज। अब तू, अब मैं इससे पूछता हूँ। नारायण जी। अरे मैं नारायण हुआ करता था, अब मेरा भरता बन गया है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? मैं मरते दम तक आपका नाम नहीं भूलूंगा। बहुत दर्द हो रहा है क्या नारायण जी? अरे चुप कर रहा मैं बस, मेरे पैसे लाया कि नहीं? वो बात है कि नारायण जी। ए नागेंद्र सिंह, 10,000 के लिए तेरे आदमियों ने मेरी 10 हड्डियां तोड़ दी, मैं तेरे पैसे अभी के अभी लौटाता हूँ। चुप कर रहे, मैं पैसा फेंकूंगा हड्डी की तरह और तुम सब कुत्तों की तरह कैच कर लेना। आजा बे। अबे तुझे कुत्ता बोल रहा है? जो भी है मुझे पैसे चाहिए। पैसे के लिए कुत्ता बनेगा? कुत्ता कहीं का। वेरी गुड सुंदर, अब मैं सूटकेस से पैसे निकाल के उनके मुंह पे मारूंगा। आज से जिंदगी का आइडिया चेंज, आज से हम पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। जी पैसे तो इसमें है ही नहीं। पैसे नहीं है इसमें तो फिर है क्या इसमें? पता नहीं, उन्होंने कहा कि इसे दूंगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। तो इसे डिलीवर करके पैसे क्यों नहीं लेके आए? ये तो ट्रेन के नीचे गया था मैं। क्या कहा? ट्रेन के नीचे गया था? हाँ, फिर उसने कहा कि इस पर फोन आएगा। तो फोन आया कि नहीं? नहीं जी, आई तो पुलिस। पुलिस का इसमें क्या काम है यार? उसे मालूम है क्या चीज है? क्या है ये? अबे सफेद दंत मंजन, इसके 10,000 कौन देगा हमें? हर चीज जो सफेद होती है वो दंत मंजन ही होती है क्या? तो कहीं ब्राउन शुगर है। अबे ये तेरा मोबाइल क्यों बंद है? अरे कहा था ना पुलिस आ गई थी इसलिए। मुंह मत खोल अपना। फोन फोन उठा उठा उठा, बात कर। आपने तो कहा था कि मुंह मत खोलना। अबे मेरे बाप, उठा उसे, बात कर। हेलो, क्या माल तैयार छे? हम यहाँ पैसा लेके आ गया है। सुनिए, कोई पैसे लेके इंतजार कर रहा है। ये पूछो आना कहाँ है? कहाँ ना होगा हमें? अरे भूल गए क्या? पर्वतगंज में पहाड़ी के ऊपर उभरो छू, जल्दी आओ। ओके, पर्वतगंज में पहाड़ी के पास तो चले। कदे सूटकेस? अरे हाँ, अच्छा बैठा है साला सिक्योरिटी डॉग। देख पैसे लाइए। क्या लिया था यार? ए, तूने तो कहा था ऊपर से पैसे फेंकेगा और मैं हड्डी की तरह पकड़ूंगा। होंगे तो दूंगा ना। फिर वही राख, नोच डालूंगा तुझे। एक घंटा दीजिए, हम आपके पैसे चुका देंगे। एक घंटे में कहां से लाएगा 10,000? अगर ये सूट केस दूंगा तो मुझे 10,000 मिल जाएंगे। फिर बोलेगा मालूम नहीं? बोलना। हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम। फिर से नहीं मालूम? विश्वास कीजिए, मैं आपके पैसे लेकर नहीं भागूंगा। मैं तेरी बात नहीं मानता, हम भी चलेंगे। चल, अरे चलना। पर उसने तो आपको आने को नहीं कहा है। हम खुद आ जाएंगे। चल। हाँ। इतनी अच्छी बात कही तूने, इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया? पता नहीं। यहाँ पे क्यों लाए बे? क्या मिलने वाले वो? फिर साला ये बोलेगा कि मुझे पता नहीं है। क्या है भाई? बता दीजिए यहाँ क्यों लाए हैं आप? फोन आया। अबे तो मुंह खोल ना। हेलो, तू यहाँ मेला लगा छे? वानर सेना लेके के माफिया छे? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं बुलाया इनको साहब, ये लोग तो बिन बुलाए बाराती हैं। ठीक है ठीक है, बेमानस यहाँ आवो माल लेके। पर आपने तो बताया नहीं कि आप कहाँ पर हो। अरे एक बार पाछर मुड़ के देख ना गधेड़ा। हाँ हाँ, वहाँ पर कुछ लोग तो खड़े हैं, पर वो कौन लोग हैं? अरे मैच बोलो जो आइया अभी जाओ। ये सेठ है, कैसी खटारा गाड़ी लेकर आया है? माल नहीं बोलतो, वो कैश लेके आप बेचो, अभी जा। ठीक है, आप लोग यहीं पर रुकिए, हम पैसे लेके आते हैं। ठीक है, रुक बे। क्या ठीक है, पहुंचू कहीं का? पैसे लेके भाग गया, हम क्या करेंगे? अरे बाप रे। अरे डील है, डील। अरे डील, डील क्या के? मुझे टोपी मत पहनाओ, सूटकेस ले ले। पैसे हम लोग लेकर आएंगे, इन पर नजर रखना भाई। चलो। अरे तू कहाँ जा रहा है बे? ये इस पर नजर रख, भागने ना पाए। हाँ हाँ भाई। रुक रुक, सेठ जी आ गए। सूटकेस, सूटकेस खोलने देखा? खोलो खोलो भाई, उन्होंने धोखा दिया हमें। क्या है ये? तो बबू है, 10 रुपए वाली। अरे भाई पहला माल तो दिखाओ। दिखा तो देंगे, लेकिन एक बात जान लो, 10 रुपए से 1 रुपए कम नहीं लेंगे। हाँ। जी सेठ जी, लोग तो 10 रुपया बोले छे। सेठ जी ये तो कोड है, 10 रुपए का मतलब 10 रुपए नहीं होता, 10 रुपए होता है, समझे? सेठ जी इसका मतलब होगा 10 लाख। डेविड राजू ने बोलियो तो आप माल एक खोखो नो छे, शायद ये लोग स्टॉक कम लेकर आए हैं। ठीक है ठीक है, ये माल थारी पास छे, दिखा मने। ठीक है माल देख कर तसल्ली कर लो। अरे आम माल तो एक खोखा नु छे, शायद 10 का मतलब 10 करोड़ था। ए, क्या खुसर फुसर चल रहा है, 10 देते हो या माल वापस ले लें?
आम माल 10 करोड़ ना लगती, सिर्फ 1 करोड़। क्या बोला तू, फिर से बोल। 1 करोड़। हाँ, सूटकेस मारो और रुपया थमारो। ले नारायण जी, इन्हें क्या हो गया, ये पागल तो नहीं हो गए? इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है 10,000 ही 1 करोड़ रुपए मिल गए, पागल हो गए। नारायण जी, फिर से पुलिस आ गई। रुक जाओ, पकड़ो सबको। अरे भाग रहे, अरे भाग रहे, भागो भागो। अरे दे 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 दे, सु 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 तुम, अरे तू यहाँ है? अरे यार, जब से तू मेरा गड़बड़ चल रही है, पुलिस हमेशा पीछे पड़ी रहती है। अबे तू पुलिस से भागा हुआ कहती तो नहीं है ना? नहीं, मैं पुलिस से भागा हुआ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं तो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ हूँ। अरे बाप रे बाप रे बाप, तुझे खुदकुशी करने से रोकते वक्त मुझे समझ आना चाहिए था कि तू पागल है। आप भी मुझे पागल कह रहे हैं, सारी दुनिया ही मुझे पागल समझती है। मैं बस अपने पिताजी पर ऐसा, तो लोगों ने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। घोर अन्याय, महापाप। सिर्फ पिताजी पर हंसे तो मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया? तो क्या तुम्हारे पिताजी ने उन्हें रोका नहीं? अरे वो कैसे रोकते, वो तो मर चुके थे। मर चुके थे? हाँ, जब मेरे पिताजी मरे तो मैं खुशी से हंस पड़ा, बोला पिताजी पिताजी आप ठीक तो है ना? बस इतने के लिए मुझे पागल करार दिया और मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मैंने कुछ गलत किया नारायण जी? गलत नहीं रे, तू तो डिफरेंट है। उट, 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 आज के बाद मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। फुट, चल फुट। अब मैं इसी वक्त इस तरफ जाता हूँ और तू इस तरफ जा। नहीं नहीं, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ जाता हूँ। अब तो मैंने भी तो यही कहा। तो मैंने भी तो आपसे वही कहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तेरे साथ थोड़ी देर और खड़ा, तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। नारायण जी, अरे मेरे बाप, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। क्या करे नारायण जी, नारायण जी, नारायण जी, दिखाई मत देना। एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। कौन है बे? कहता है कि माथुर साहब ने भेजा है। शायद एक्सपोर्ट वाले माथुर का आदमी होगा। बहुत बढ़िया, अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूँ, दूसरों की तरह इसने मुझे बुलाया नहीं, अब तक याद है। उसे इज्जत से बिठाओ ऑफिस में। ओके सर। एक्सीडेंट हो गया ना? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। माथुर कैसा है? उसकी पत्नी और बच्चे? पत्नी और बच्चे? माथुर साहब ने शादी कब की? ओ अच्छा अच्छा, उस कॉन्ट्रैक्टर माथुर ने तुम्हें भेजा? नहीं सर। ना उस कुंवारे माथुर ने भेजा, ना ही शादीशुदा माथुर ने, फिर ये तीसरा माथुर कहां से आया? देखिए, आप माथुर साहब को नहीं जानते, पर वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। चलो बाहर निकल। माथुर साहब ने मुझे पहले से बताया था कि आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे और मुझे यहाँ से चलता करेंगे, पर ये भी कहा कि जब ऐसा हो तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या बता दूं? कि 12 करोड़ की बैंक डील में आपको 50% का हिस्सा मिला। आपको लगता है कि इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन माथुर साहब सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बात बता दूं। Hey! आप मुझे क्यों मार रहे हैं सर? माथुर साहब ने कहा था ऐसा बोलने के लिए। आप मुझे मार देंगे, माथुर साहब किसी और को भेज देंगे। मैं उसे भी मार दूंगा। 12 करोड़ के डील के नाम पर मुझे ब्लैकमेल करता छोड़ रहे हैं। मैंने कहां ब्लैकमेल किया सर, ये तो माथुर साहब हैं जो बिना सबूत के कुछ भी नहीं करते। उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है? मैं क्या जानूं सर, आपको शक है तो वहीं से पूछ लीजिए। घंटी जा रही है। कान लगा कर क्या सुन रहा है? चल बाहर निकल। चल और सुन, बाहर ही रहना। हेलो हेलो, मुझे आपका इंतजार था मंत्री जी। हाँ मैं ही हूँ पूर्व मंत्री, तेरा बाप। अरे तू कौन सा माथुर है रे? डीआईडी बैंक तो याद होगा आपको। डीआईडी बैंक? मेरा अकाउंट था ना डीआईडी बैंक में। तूने बैंक वालों से कहा कि तुझे पैसे निकालने हैं, बैंक वालों ने उन पैसों का इंतजाम किया, तूने बैंक में चेक डाला और उसी दिन वहाँ पर चोरी हुई। क्यों है ना? वो चोरी तूने ही करवाई थी, वो तेरा ही प्लान था। उस चोरी में तुझे तो तेरा हिस्सा मिल गया ना? एक मिनट। अरे वो मेरा प्लान नहीं था, राम मोहन का था। राम मोहन, राम मोहन, राम मोहन। अरे सुन ना माथुर के बच्चे, मेरी बात सुन।
अगर मैंने 12 करोड़ का चेक भेजा डीआईडी बैंक से पैसे निकालने को, तो उनके पास उतना कैश तो होता नहीं है, तो उन्हें दूसरे बैंक से मंगवाना पड़ेगा। और जब मुझे पता चला कि उनके पास कैश आ गया है तो बैंक को लूट सकते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो तय था कि 4 करोड़ मिल जाएंगे। लगता है राम मोहन और उसके भाई ने सारा माल आपस में बांट लिया और राम मोहन जो है वो तो अमेरिका भाग गया, लेकिन लगता है उसका भाई अब भी यहाँ है। मैं उससे अपना हिस्सा ले सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका थोबड़ा दिखता कैसा है। उसे पकड़ लिया तो भी एक पैसा भी तुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? क्यों? उसने सिर्फ तुझे ही नहीं अपने भाई को भी टोपी पहनाई और सारे पैसे लेकर अमेरिका भाग गया। बेचारा। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? वो लड़का जो बाहर खड़ा है ना, वो राम मोहन का भाई है। क्या ये वही है? हाँ, पैसे नहीं थे तो आत्महत्या करने चला था, मैंने उसे बचाया था, तब उसने मुझे अपनी कहानी बताई। अब मैं इसी लड़के के सहारे राम मोहन को अमेरिका से खींच लाऊंगा। क्या वो आएगा माथुर? आना ही पड़ेगा, मैं उसे आने पर मजबूर करूंगा। बस वो आ जाए फिर बिजनेस की बात करेंगे। अब कौन सा बिजनेस? अब चोरी के पैसे के 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। 3 करोड़ मेरे, 3 करोड़ तेरे, 3 करोड़ राम मोहन के भाई के और बाकी के 3 करोड़ राम मोहन के। वादा मंजूर? मंजूर क्यों नहीं होगा, मुझे 3 करोड़ जो मिलेंगे पूरे बदन में गुदगुदी हो रही है। तो फिर तय रहा ना? ओके तय रहा। फिलहाल इस लड़के को 10,000 की सख्त जरूरत है, दे दो उसे, मना करोगे तो मर जाएगा वो। अरे बाप रे, अगर ये मर गया तो हम भी इसके साथ मर जाएंगे, सौदा इसी पे टिका है। अरे 10,000 क्या, 20,000 दे देता हूँ। बाय पार्टनर। बाय पार्टनर। बच गया। मेरा बेटा, पैसे चाहिए ना तुझे? ये ले रख ले। नहीं जी ठीक है। ना ना जिद नहीं करते, रख ले। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रख ले कहा ना। और एक और बात, अगर और पैसे चाहिए हो तो बिल्कुल शर्माना मत, विश्वनाथ अंकल के पास चले आना। थैंक यू अंकल। अरे नहीं नहीं, थैंक यू क्यों नहीं, ये फोन भी रखो। और एक और बात, बड़ा प्यारा है तू, लाल शर्ट में अच्छा दिखता है ना। मरने के बारे में कभी मत सोचना, आत्महत्या महापाप है। तुझे पता है जिंदगी कितनी कीमती होती है, और तेरी जिंदगी की कीमत तो 12 करोड़। जिंदगी बहुत कीमती होती है बेटे, चलो जाओ। अच्छा सर। प्रिया? Yes sir. Are you ready? I'm ready sir. Action. Hello दोस्तों, good morning. मैं प्रिया, स्वागत है आप सबका ABTV के आपके favorite program में, सुहाने गाने। तो आप सब तैयार है ना? तो फिर चलिए आज के हमारे पहले कॉलर को वेलकम करते हैं। Let's go and check out who's on the call. Hello. Hello. गाने सुहाने में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवा है। आप क्या करते हैं शिवा? मैं शहर के सबसे ऊंचे मकाम पर हूँ। अरे वाह, बड़े ऊंचे मकाम पर। हाँ, फिलहाल ये पूरा शहर मेरे कदमों के नीचे है, क्योंकि मैं एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो। तो बोले शिवा, कौन सा गाना सुनाओ तुम्हें? जन गण मन। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, शुरुआत में ही जन गण मन। तुम कोई और गाना बताना शिवा। तो हे ईश्वर हे दाता बजा दीजिए। और क्या ये गाना तुम किसी को डेडिकेट करना चाहते हो? जी हाँ। किसे करना चाहते हो? माथुर साहब को। और क्या कोई मैसेज है माथुर साहब के लिए? हाँ, आप माथुर साहब से कहिए कि वो एक प्रोग्राम देखें, और उनसे ये भी कहिए कि ये गाना खत्म होने से पहले वो मुझे फोन करें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर। तो क्या करोगे तुम? मैं खुदकुशी कर लूंगा। क्या? जी हाँ, मैं सचमुच जान दे दूंगा। माथुर साहब के लिए यही मेरा संदेश है। क्या सुसाइड करने के लिए तुमने यहाँ फोन किया है? नहीं, माथुर साहब के लिए। अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगा। शिवा। हेलो, पुलिस स्टेशन। शिवा, शिवा तुम हो ना लाइन पर? हाँ। जरा बताओ कि तुम कहाँ हो? टोपेज बिल्डिंग की छत पर, और अगर मैं यहाँ से कूदा तो यकीनन मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चटनी बन जाएगी मेरी। नो 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 नो, प्लीज शिवा, देखना मिस्टर माथुर तुम्हें जरूर फोन करेंगे, लेकिन अगर उनका फोन नहीं आया तो या तुम वाकई मर जाओगे, या मिस्टर माथुर के अलावा तुम्हारे इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बड़ा भाई है मेरा, पर यहाँ नहीं रहता, अमेरिका में रहता है। अमेरिका में कहाँ पर रहता है वो? न्यूयॉर्क में, क्वींस में रहता है। न्यूयॉर्क में, क्वींस में, क्या नाम है उसका? राम मोहन। या न्यूयॉर्क वाला राम मोहन तुम्हारा बड़ा भाई है? सिर्फ नाम का है, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है, सारे रिश्ते टूट चुके हैं। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? गाना बजाओ वरना मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। एक मिनट। हाँ, मैं गाना बजाती हूँ। शिवा, मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना खत्म होने से पहले माथुर साहब तुम्हें जरूर फोन करेंगे। मैम, क्या आप ही गाने सुहाने प्रोग्राम के एंकर हैं?
जी सर। एक पागल की बात सुनकर हमें यहाँ बुला लिया? ये बात नहीं है सर, उस वक्त उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो सच में कूद जाएगा। तो फिर वो कूदा क्यों नहीं? ये तो अच्छी बात है ना सर। सर जरा वहाँ देखिए। थैंक यू प्रिया, माथुर ने मुझे फोन किया, अब मैं खुदकुशी नहीं करूँगा। शिवा। थैंक गॉड ही सेव। हेलो, राम मोहन बोल रहा हूँ। मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाय प्रिया, व्हाट अ सरप्राइज, कैसी हो? क्या तुम्हारा कोई भाई है? क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई है या नहीं? हाँ है ना शिवा, पर आज तुम अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? आज उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। क्या? मेरी टीवी प्रोग्राम में फोन किया और कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। बड़ा हंगामा हुआ पता है। ओह माय गॉड। उसके दोस्त माथुर ने उसे बचा लिया, नहीं तो उसका राम नाम सत्य हो जाता। ये क्या है, तुम्हें अपने भाई की फिक्र नहीं है? तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए ना। प्रिया सुनो, मेरी मदद करने को तो मरे जा रहे हो, पर अपने सगे भाई की परवाह नहीं है तुम्हें? ऐसे में मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? मुझे अमेरिका क्यों ले जा रहे हो? मुझे नौकरी दिलाओगे? मेरे परिवार का सहारा बनोगे? प्रिया, ऐसा इंसान जो अपने भाई का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा? मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, और ना ही तुम मुझे अमेरिका बुलाना। प्रिया गुड बाय। हेलो प्रिया, हेलो हेलो। प्रिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रिया सुनो तो। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? तुम्हीं ने कहा कि नौकरी के लिए अमेरिका चली आओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और इसके बाद मुझे फोन भी मत करना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गॉड है। हेलो प्रिया, जल्दी घर आ जाओ, दादी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे बाप रे, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। घबराओ मत दादी, सब ठीक हो जाएगा, आराम से ठीक हो जाएगा सब। सिद्धांशुदा बेटी प्रिया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है, उनका कैंसर अब फैल चुका है। पेन किलर्स देने के अलावा अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास, अगर सही समय पर दवा नहीं मिली तो दर्द बढ़ जाएगा। देखिए डॉक्टर, दरअसल मेरी दादी। मैं जानता हूँ, आई नो योर प्रॉब्लम। फिलहाल तो दर्द कम करने के लिए मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, तुम प्लीज इसे कल तक रिप्लेस कर देना। सॉरी, गलती होगी मुझसे। इट्स ओके। ये इंजेक्शन आपके लिए? नहीं, ये मेरी दादी के लिए। अच्छा, मेरा दोस्त भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मर रहा है, वो बेचारा दर्द में तड़प तड़प कर चीख रहा है, और मेडिकल शॉप वाले बिना पर्ची के ये दवाई नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, जाओ ये इंजेक्शन ले जाओ और अपने दोस्त को लगवा दो। ठीक है, आपकी दादी को भी तो उसकी जरूरत होगी ना। उन्हें इंजेक्शन लग चुका है, डॉक्टर ने दे दिया है, ये तो बस रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैडम अभी तो आप ये इंजेक्शन ले गई थी, अगर दोबारा चाहिए तो आपको एक और पर्ची लानी पड़ेगी। पहली इंजेक्शन का क्या हुआ? वो तो मैंने दूसरे पेशेंट को दे दी। किसे? वो चेक शर्ट और जींस में जो लड़का था? हाँ, उसने कहा उसका दोस्त मर रहा है। अरे रे, बहुत बड़ा झूठा है वो तो ड्रग एडिक्ट है, एक नंबर का निकम्मा है, अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता है, गैंग है उनका। उसने इंजेक्शन मांगी और मैंने मना किया तो कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कहा कि उसने ऐसा ही टीवी प्रोग्राम पर भी धमकी दी थी सुसाइड करने की, आज से दो दिन पहले ही। तुम्हें नहीं पता, ये राम मोहन का सगा भाई नहीं है, ये तो उसका सौतेला भाई है। फिर भी राम मोहन ने उसे सगे भाई से भी बढ़कर समझा, उसे अमेरिका बुलाने के लिए उसके लिए वीजा तक भेजा, पर ये आदमी किसी की सुनता ही नहीं, दिन भर पागलों की तरह घूमता ही रहता है। हाँ प्रिया, राम उसे एक हफ्ते से फोन कर रहा है पर वो जवाब नहीं देता, लगता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता। बेचारा बहुत टेंशन में होगा। राम ने उसका नंबर दिया है, कहा कि तुम उससे बात कर लो, उसने तुमसे रिक्वेस्ट की है। राम मोहन भी तुम्हें यही बताना चाहता था, इसीलिए फोन कर रहा था। दीदी, राम मोहन ने जो नंबर दिया है मिलाना, मैं उससे बात करती हूँ। ठीक है।
ए प्रिया, घंटी बज रही है। कट कर रहा है क्या? पर कुछ भी हो जाए मैं उससे जरूर बात करूंगी। नहीं, 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 दे दो, मुझे चाहिए। लड़की ने तेरे लिए ये दिया है। हाय शिवा, मेरा नाम प्रिया है, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये मेरा एड्रेस है, तुलसी गार्डन, रोड नंबर 3, हिल रोड। ए गोविंदा, लगता है बाहर कोई रिक्शा है, जा जाकर गेट खोल। तेरे हाथों में मेहंदी लगी है। ए, मैं टाइम का बिल्कुल पक्का हूँ, मेरी एक मिनट पहले ड्यूटी खत्म हुई है, अब जाना। अबे कौन बे? इससे बचने के लिए तो मैं यहाँ आया, यहाँ के वॉचमैन बना और ये मेरे पीछे यहाँ भी आ गया। छोड़ेगा नहीं मुझे। सुन यार, उस ऑटो में मुसीबत का पहाड़ बैठा है, चल जल्दी करते उसे बाहर निकाल दे। आजा। कौन हो तुम? गुड मॉर्निंग जी, ये प्रिया का घर है ना, मैं शिवा हूँ। ओ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ नारायण? सुन, वो ऑटो में बैठा कहाँ गया? किसे ढूंढ रहे हो? अरे पागल को, चल चल चल, चलो चलो। राम मोहन का भाई शिवा आया है। अरे बाप रे, वो पागल आ गया, कहाँ है? मैंने उसे वहाँ बाहर बिठाया है। चल चलो, उठ उठ उठ। कहाँ गया वो? मैंने तो यही बैठने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ जा सकता है वो? हाँ, लगता है भाग गया। बाप रे, डर गई, हार्ट अटैक आ जाता तो। क्यों डरा दिया तूने मुझे? हाँ? क्या मैंने आपको डराया? आप कुछ ढूंढ रहे थे तो मैं भी ढूंढने लगा। वैसे आप लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या हुआ दादी जी, आपको चक्कर आ रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बैठ, आना बैठ ना, इधर आओ। तुम लोग मेरे पीछे आओ जरा, सबसे पहले प्रिया को फोन लगाना। तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो भाई? आपने तो कहा था ना, आओ आओ चलो मेरे साथ। तुम्हें नहीं, इनको कहा था, जाके बैठो वहाँ। पागल कर देगा, इससे पहले प्रिया को फोन लगाना होगा। मैं और प्रिया सिर्फ दोस्त हैं। हेलो प्रिया, राम मोहन का भाई शिवा है ना, वो यहाँ आया है। शायद मुझे वहाँ ना देखकर वो चला जाएगा, आप उसे बातों में उलझाए रखिए दादी। ओके ओके। तुम सुंदर है। कोई जरूरत नहीं, वो पागल तो यहाँ खुद से ही बातें कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप उसे चाय ठंडा पूछ लीजिए, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। हाँ, जूस बन गया है, पर इसे ले जाएगा कौन? और कौन, तुम ही ले जाओ ना। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। गोविंदा,
इलाके के चप्पल चप्पल छनभर बच के चले ना ए, सुनो अरे इधर बोला क्या हुआ अंदर आइए आपसे जरूरी काम है इसे कहती हूँ ले जाने के लिए ये जूस उन्हें दे दूं आखिर कोई तो मेरी मेहनत का कदरदान मिला थैंक यू वेरी मच ये जूस तुम्हारे लिए नहीं है ये उस गेस्ट के लिए है तुम्हारे घर का नौकर कहाँ गया मैं क्यों मिला रुको वो आदमी है हम सब औरतें हैं हमें शर्म आती है वहाँ जाने में इस उम्र में भी शर्म आती है एक दुंगी ना झापड़ उम्र की बात करता है दिखने ना मैं टेंशन में हूँ चुप लेके जा मेरा जूस निकाल दिया उसने कहाँ गया होगा वो कौन से घर में घुसा होगा बस एक बार मेरे हाथ लग जाए उसे छोड़ने वाला नहीं मैं सर आपका जूस अरे वो मिला क्या तुम्हें नहीं तो ढूंढते रहो नारायण जी आपको मेरा नाम कैसे पता है वो अच्छा आप है छोड़िए अरे बाप रे ये इसके साथ घोड़ा घोड़ा क्यों खेल रहा है नहीं चलूंगा अच्छा हुआ चूसते नहीं मैं नहीं गई कविता राजेंद्र जल्दी आओ ये मिल गया मुझे इसको छोड़ोगे नहीं अरे क्या कर रहे हो जल्दी आओ वरना ये मुझे भाग के ले जाएगा सुन ली रे क्या रुक 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 चल नीचे उतर घुमा घुमा इसे लागी ने मेरी जान के पीछे पड़ा ये सब तेरी वजह से ले मेरे दर्द वापस दे जल्दी कर अरे क्या बात है अरे रोक तुम कह रहे ड्यूटी बजाओ ए छोड़ो अरे तुझे सुनो क्यों भाग रहा है ये ए भाई देख वो सुंदर ही है ना अरे सुंदर नहीं नारायण लग रहा है ये तो हाँ वही है अरे हाँ ये नारायण ही है लेकिन ये भाग क्यों रहा है अरे उससे पैसा लेना है ना चलो 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 जाओ पैसे लेने हमें आ जाओ अरे अरे कहाँ जा रहे हो अरे बोल दे रहा इधर चलो चलो इधर आ जा मुझसे बचकर कहाँ जाएगा तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है तेरे हाथों से बचने का कोई तो रास्ता होगा तो भाग जा अबे तेरी तो सही बोला भागो अरे उसे पकड़ो अरे पकड़ो पकड़ो जल्दी जा जाओ जा। अरे ओ काले नारंगी जाओ उसे पकड़ भाग रहा हूँ चलो बैठो बैठो जल्दी बैठो चल चल अरे चल जल्दी बैठो ना क्या मुँह देख ड्राइवर तो भाग गया भाई ड्राइवर भाग गया अरे तू बैठ चलो चलो चल चलो जल्दी करो अबे इतना तेज को भाग रहा पकड़ूंगा कैसे अबे यार रोक अरे अरे उतरो उतरो सब लोग उतरो चलो भागो भागो उसके पीछे भागो छोड़ना मत उसे अबे रोक ना अच्छा चलो चलो तेज से भागो अरे इतना जल्दी मत भागो अरे मैं भाग नहीं पाऊंगा कितना भागेगा मिल्खा सिंह की छठी औलाद अरे पकड़ो उसे भागने ना पाए अरे बाप रे भागो अरे ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है कूदो मत कूदो मत कूदो मत कूदो मत कहा चला फिर कूदा क्यों कूदना मत की जगह गोबर है नहीं कह सकते थे चुकाने के लिए गोबर में कूदने की क्या जरूरत थी प्रिया हाँ अरे रे 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 चलो अब बस पे करो ये लो अरे ये मेरे बेटे के कपड़े हैं इसे पहन लो जी 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 शर्म करो शिवा क्यों नहीं पहनूं कमरे में जाके बदल लो ना ठीक अबे रुक तेरा नाम सुंदर है ना तो फिर ये शिवा क्यों बुला रही है तुझे शिवा भी मैं हूँ सुंदर भी मैं हूँ मेरा नाम शिव सुंदर है ये बात है चलो अंदर चलो सुनो मेरी बात सुनो इसे इसी वक्त यहाँ से निकाल दो क्यों निकालूं कहाँ जाएगा ये एक पागल खाना इसी शहर में दूसरा आगरा में फालतू की बात मत करो ये लड़का अमेरिका जाने वाला है अमेरिका इतनी दूर क्यों भेज रही हो वो मानेगा नहीं हाँ इसीलिए तो मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ अमेरिका भेजने के लिए कुछ दिनों में चला जाएगा ये इस पागल को ये अमेरिका भेज रही है ऐसा लगता है उससे बड़ी पागल ये है तुम भी ना गीले कपड़े अंदर ही पड़े रहने देते लाओ इन्हें मैं सुखा देती हूँ अब सुनो मेरे कपड़े खराब मत करना उसमें मेरे 50 रुपए हैं कपड़े गीले हैं पैसे बाहर निकाल लेते इतनी अकल नहीं है हाँ निकाले तो पैंट की जेब से निकाल के शर्ट के जेब में डाल दिए अच्छी ईश्वर भला करे अच्छी हाँ दूसरी छींक पे मत रुकना इसे बड़ा ही अपशकुन मानते हैं बेटा
ईश्वर भला करे, दूसरी छींक पर नहीं रुकना चाहिए, इसे बड़ा ही अच्छा गुण मानते हैं बेटा। छींको बेटा, चलो यहाँ बैठो। इतना बड़ा हो गया पर सर पोछना भूल गया, पता है ना इससे ठंड लग जाती है, सर कभी गीला नहीं रखना चाहिए। तू भी ना बेटा, इतना बड़ा हो गया है अभी भी तेरी हरकतें बच्चों जैसी हैं। तुझे पता है ना इससे ठंड लग जाती है, सर कभी गीला नहीं रखना चाहिए। मैं हमेशा तो तेरे साथ नहीं रह सकती ना। क्या हुआ बेटा? मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तुम्हारी माँ कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरा अब कोई नहीं है। क्यों कह रहे हो कि तुम्हारा कोई नहीं है? तुम्हारा बड़ा भाई तो है ना। अपने बड़े भाई पर इतना गुस्सा ठीक नहीं, उसने वादा किया है ना कि तुम्हें अमेरिका ले जाएगा। वो मुझे अमेरिका ले जाकर वहाँ पर भी मुझसे गधों की तरह काम करवाएगा, मेरा उससे कोई नाता नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा आदमी है, हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और वो हमारी मदद कर रहा है। प्रिया को अमेरिका ले जाकर नौकरी दिलाने का वादा किया है। अगर उसने ऐसा कहा तो उसमें भी अपना फायदा दिखता होगा, वो बहुत स्वार्थी है, मतलब के बिना वो एक काम भी नहीं करता। ऐसा मत बोल, वो मेरा भाई है, आपसे बेहतर मैं उसे जानता हूँ। प्रिया उसे फोन दो। हाँ एक मिनट देती हूँ। शिवा तुम्हारा भाई है लाइन पर, तुमसे बात करना चाहता है। उसे फोन क्यों किया? उससे कोई बात नहीं करनी मुझे। सॉरी राम, तुम्हारा भाई तुमसे बात नहीं करना चाहता। What's wrong with them? पूछो उससे मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? हाँ उसे नहीं पता कि उसने क्या गलती की है? क्या ये भी मैं तुम्हें बताऊं? पूछो उससे। अच्छा ठीक है, जाने दो, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ। पहले से फोन तो दो। शिवा बात तो कर लो, वो तुमसे माफी मांग रहा है। तुम उससे कह दो प्रिया वो इंडिया आकर माफी मांगे। शिवा बस, उसे यहाँ आकर मुझसे माफी मांगनी होगी। हेलो, मैंने कहा फोन रखो रखो। सुनो तो, अगर मुझे पता होता कि आप लोग उसे जानते हैं मैं यहाँ कभी नहीं आता। छी राम, वो तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। वो पागल तो नहीं हो गया? मैं ऐसे अचानक कैसे आ सकता हूँ? पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। प्रिया, उसके बचपने की वजह से मुझे भी उसकी फिक्र है, वो हट्टी है, कुछ भी कर सकता है, उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। एक काम करो ना, उसे किसी भी तरह अपने साथ रहने को मना लो, इससे उसकी हिफाजत हो जाएगी। ओके ओके ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। सुनो, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी मर्जी जहाँ भी जाऊँ, चाहे मैं जीऊँ या मर जाऊँ, इससे तुम्हें क्या? सुनो, क्या नाटक है, हमेशा खुदकुशी करने की धमकी देकर लोगों को डराते रहते हो, मरने के अलावा और कुछ नहीं जानते तुम। चुप रहो प्रिया। सुनो बेटा, अगर मरने से समस्या का हल होता तो शायद तुमसे पहले हम मर जाते। इस लड़की को देखो, ये छोटी सी बच्ची अपने बाप के मरने के बाद हम सबका सहारा बन गई है। इन दोनों के पति इन्हें छोड़ गए तो क्या ये मर गई? अगर मरना ही हल होता तो हम एक साथ मिलकर जहर खा लेते और हम मर जाते और सारी समस्या हल हो जाती। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा तो पैर वैसे ही कब्र में है, मैं सबसे पहले मर जाऊँ, पर मैं संघर्ष करने में यकीन रखती हूँ, मरने में नहीं। हम सब मिलकर जिएंगे, मिलकर लड़ेंगे। तुम्हारा भविष्य तो बहुत उज्ज्वल है, तुम क्यों मरने की बात करते हो? एक दूसरे के लिए आपका प्यार ही आपको जिंदा रखे हुए है। आपको उम्मीद तो है कि आपकी तकलीफों का कभी न कभी तो जरूर कोई हल निकलेगा, लेकिन मेरे जीने का क्या मतलब है? बताइए कौन है मेरा? ऐसा क्यों कहते हो, हम सब है ना। तू तो मेरे पोते जैसा है बेटा, तुझे हमारे लिए जीना होगा। आओ मेरे साथ। तुम, ये मेरे पिताजी हैं। तुम जैसे कायरों की तरह बाबा ने भी आत्महत्या की। जिंदगी में पहली बार दादी माँ तुमसे मिली, तुम्हें देखते ही दिल से अपना पोता मान लिया। याद है ना उन्होंने क्या कहा तुमसे, कि तुम्हें अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? इसीलिए नहीं कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। बाबा के जाने के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हम पर, इसलिए अमेरिका जाना चाहती हूँ, और इसमें तुम्हारा भाई मेरी मदद कर रहा है। अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसे ही रहा और तुम्हारे भाई ने अपना इरादा बदला, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस आ गया, तो फिर हमारा क्या होगा? मेरा ये परिवार और मैं इन मुसीबतों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाई से एक बार बात कर लो, उसकी बात मान लो, प्लीज प्लीज शिवा प्लीज। एक बात बताओ, ये तुम्हारी आंखों में क्या है? ओ, तुम कॉन्टैक्ट लेंस लगा दी हो? क्या? लेंस मत लगाओ, चश्मा लगाओ, तुम पर सूट करेगा। क्या इतनी देर तक तुम मेरी आंखें देख रहे थे? मैं जो बोल रही थी वो सुनाई नहीं दी तुम्हें? अरे हाँ, तुम कुछ कह रही थी ना? हाँ बोलो बोलो बोलो।
कथे कहीं के एक मिनट देखने छोड़ो मुझे, मेरी आंख में कचरा चला गया है, अब उसे जीप से निकालना पड़ेगा। हाँ बाबा ठीक है निकालती हूँ, देखने तो दो। पहले तो सिर्फ घर में घुसा था, अब तो कहाँ कहाँ एंट्री मार रहा है। अरे आप तो जी क्या लगा, फोन निकालेगी तू? दिमाग का ही नहीं, दिल का भी बीमार है तुझे, तो मैं बताता हूँ। माजी ओ माजी माजी माजी, ए इतना शोर क्यों मचा रहा है तू? माजी क्या ये यही रहेगा? यही रहेगा, अगर ये यहाँ रहा तो सारी कॉलोनी का बर्बाद कर देगा। माजी मैं बता रहा हूँ, ये आप सबकी नाक में दम कर देगा। बड़बड़ मत कर, तू अपना काम कर, हमारी चिंता मत कर। यही तो मेरा काम है, आपको समझाना ताकि आप चैन की नींद सो सके, लेकिन भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरी बात तो छोड़िए, अब तो ये भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। जय बोलो गणेश महाराज की। नाम मत फाड़, भाग यहाँ से, निकम्मा कहीं का, पूजा भी नहीं करने दे रहा। ये इतनी रात गए ध्यान से क्या लिख रही है, लव लेटर है क्या? इतनी हिम्मत, दबे पांव आकर मुझे घूर रहे थे तुम? नहीं मैं तो खुले आम ये देख रहा था। क्या बेशरम, मेरा मतलब वो नहीं था। प्रिया 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 क्या बात है, चिल्लाए क्यों तुम? मैं तो बस ये देख रहा हूँ। मैं बताती हूँ, मैं बैठ कर कुछ लिख रही थी तो ये दबे पाँव पीछे से आकर मुझे ऊपर से घूरने लगा। भगवान ने इसी बात के लिए इतना शोर मचाया, बेचारे को भूख लगी होगी और क्या। रोम रोम कितनी बेशर्म है तू बुढ़िया। बेशर्मी की क्या बात है, दोपहर का खाना नहीं खाया था ना, खाना मांगने आया होगा। भूख लगी थी मतलब? अमाला लाज बात है, हट रहे, ये उस भूख की बात नहीं हो रही। पर ये तुमको पीछे से छुप छुप के क्यों देख रहा था? दरअसल मैं यहाँ ये देख रहा था। इससे वही बात ना, बोलने दो इसे, सच का सामना हो जा। हाँ बोल बे। प्रिया लिख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं देखूं। पाप पर पर्दा मत डाल, प्रिया इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। हाँ? उसकी पढ़ाई जब मेरी समझ में नहीं आती तो तेरी समझ में क्या आएगी? इसका मतलब तो झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ, ये शिवा जा जाके सो जा। हाँ? आप लोग भी जाकर सो जाइए। पागल खाना, सुनो एक मिनट। मैं तो ये जाओ जाकर सो जाओ, मैं वो नहीं देख रहा था, मैं ये देख। गो एंड स्लीप। ओके 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 जाता हूँ जाता हूँ। अरे मैंने नोटबुक कहाँ रख दी? ये मेरी नोटबुक में क्या लिख रहा है? ओह गॉड, सच बताओ कितने पढ़े लिखे हो? बीएससी मैथ्स फेल्ड। झूठ, बीएससी मैथ्स का स्टूडेंट इस सवाल को हल नहीं कर सकता। मैं इंजीनियरिंग की टॉप स्टूडेंट हूँ, फिर भी इसे हल नहीं कर पाई। लेक्चरर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जाओ जाकर डीन से मिलो। इतने मुश्किल सवाल को तुमने एक झटके में हल कर दिया, सच बताओ मुझे ये तुमने कैसे किया? हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया है, माथुर साहब ने किया है। माथुर ने? हाँ, मैंने माथुर साहब को फोन किया, वो मुझे बताते चले गए और मैं लिखता चला गया। यकीन नहीं है तो ये देख लो। क्या माथुर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है या डीन? आईआईटी ड्रॉप आउट। आईआईटी ड्रॉप आउट है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ प्रिया, वो जीनियस हैं। अच्छा, क्या तुम मुझे इस माथुर से मिलवाओगे? हाँ, श्योर, तुम जब कहो। थैंक्स। थैंक्स मुझे नहीं, माथुर साहब को बोलो। ठीक है मैं बोल दूंगा, तुम जाओ। प्रिया कसम खा के कहता हूँ प्रिया, मैं जो देख रहा था ना वो असल में शर्म। अबे माथुर, तूने मुझे कितना समझाया था कि प्यार में मत पड़, प्यार में मत पड़, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से बाहर जा रहा है यार। ये क्या जबरदस्ती है, चलो बाहर बाहर निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना बाहर निकलो। बाहर तो जाना पड़ेगा तेरे को, ये घर मारो है। तेरे बेटे नहीं, ये घर हमारे पास गिरवी रखा है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मेरी पोतियाँ बाहर गई हुई हैं, इस घर में कोई आदमी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मनमानी करोगे। मारे को पता था तो यही राग आलापेगी बुढ़िया, अरे दामाद ने साथ लाया हूँ, वो देख दोनों बाहर खड़े हैं।
ये तो हैवान है हैवान। पैसे के लिए अपनी पत्नियों को छोड़ने वाले निकम्मे हैं ये लोग। ए, क्या बकरी है बुढ़िया, मेरा बेटा यानी हमारे ससुर जी ने इस घर पे कर्ज लिया था, गारंटी के पेपर पे हमने दस्तखत किए थे, उसके बाद ही हम लोग बर्बाद हुए। अरे अपना पैसा मांग रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हम लोग? हर महीने प्रिया जो इंटरेस्ट भरती है उसका क्या? कब तक भरेगी? तू इतने बड़े घर का करेगी भी क्या बुढ़िया? अगर यह घर लेनदारों को बेच दे तो कर्ज भी चुक जाएगा और बाकी पैसे भी मिल जाएंगे। उन पैसों में हमारी बीवियों का जो हिस्सा है वो दे देना और हम उन्हें लेकर चले जाएंगे। ओए होए होए होए, क्या बात है, बड़ा बढ़िया प्लान बनाया है, पर तुम्हारी इस फालतू राय की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने भाई को यहाँ से लेकर दफा हो जाए। इस बुढ़िया से क्या बात करनी, वक्त बर्बाद होगा। ए, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो और दरवाजे पे ताला लगा दो। घर के अंदर कोई और मिले तो उसे भी बाहर फेंक देना। किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो टांगे तोड़ के रख दूंगी। ऐसा मत करो, ये पाप कर रहे हो तुम लोग, गलत कर रहे हो। ए, कौन है बे तू जो घोड़े बेच के सो रहा है, चल फुट यहाँ से। अरे भाई बचाओ, मारेंगे एक एक को चुन चुन के मारूंगी, निकलो यहाँ से। बुढ़ी तेरी तो बचाओ। अरे बेटा इनसे मत उलझो, मत उलझो उनसे। क्या मार डालोगे इन्हें? पता है ये कौन है? ये मेरे जीजा जी हैं। दादी आपको क्या हुआ, आंखें खोली ना दादी। दादी दादी उठिए, क्या हुआ दादी? दादी सुनो, वो बहुत ज्यादा परेशान थी, मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। आप में से कोई एक यहाँ रुक जाइए इनकी देखभाल के लिए। संभल के दादी, मेरी फिक्र मत करो बेटा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। दादी आ गई। अरे अरे उठो बेटा। दादी हमें माफ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं, हम सबको ले जाने आए हैं। दादी हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। अब हम अपने घर चलते हैं दादी। शिवा जब से तू आया है हमारी जिंदगी में खुशियां खुशी आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत। मैं जानता नहीं था कि आप लोग कौन है, पता होता तो हाथ थोड़ी उठाता। ठीक है दोस्त, एक मिनट आओ ना, प्लीज आओ ना। हेलो, क्या सोच रहे हो तुम, कोई जरूरी बात करनी है क्या कि मुझे यहाँ ले आए? अब बताओ, तुम्हारा अमेरिका जाना जरूरी है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है उससे तुम्हारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, बाबा का लोन, बहनों का दहेज, इतने सारे पैसों के लिए मुझे अमेरिका तो जाना ही पड़ेगा शिवा। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी मेरे साथ अमेरिका चलो। मैं अमेरिका नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। शिवा क्या कर रहे हो, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? छोड़ो छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। हे इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? हाँ माल खरीद लिया और अब पैसे देने से मना कर रहा है, अब मारू नहीं तो क्या पूजा करो इसकी? है तुझे पैसे चाहिए ना? कितने चाहिए? 2000 रुपए। ये ले। अभी चाहिए मुझे, अभी वरना इसका गला काट दूंगा। अभी मैं इसे मार दूंगा, आगे मत बढ़ो। सुन हे सुन, तुझे ये चाहिए ना? तो मैं तुझे देता हूँ, पर इसे छोड़ दे। दीदी दीदी छोड़ दे इसे। दीदी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं तुझे देता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ। मुझे दे दे, मुझे चाहिए, मुझे दे जल्दी। कौन है ये शिवा? दीदी मुझे चाहिए वो, दे दे दे।
बताओ शिवा, कौन है ये? यही है मेरा दोस्त माथुर। पता है हर एक जीनियस की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसकी कमजोरी ड्रग्स है, जिसके लिए ये कुछ भी करेगा, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा इसके साथ रहूं। मैं उड़ रहा हूँ हवा में, मैं उड़ रहा हूँ दोस्त। प्रिया तुम निकलो, मैं इसे ड्रॉप करके आता हूँ। प्रिया लाओ दे दो। क्या? वॉलेट। चलो भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने उसे माथुर के साथ क्यों जाने दिया? वो उसे बिगाड़ रहा है, तुम जानती हो ना? वो कोई छोटा बच्चा है क्या जो हाथ पकड़ा और रोक लिया? मैं रोकूंगी और वो मान जाएगा? अपने चाहने वालों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, जान तक दे देता है वो। मैं काफी दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहती थी प्रिया, तू शिवा से शादी कर ले बेटा। क्या बात कर रही हो दादी, मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, तुम मेरी शादी उस बेवकूफ से कराओगी? वो बेवकूफ नहीं है, बहुत होशियार है वो, और साथ ही वो बहुत अच्छा इंसान भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि तू जल्दी उससे शादी कर ले। बिल्कुल नहीं, पहले मैं पढ़ाई पूरी करूंगी और फिर जॉब करूंगी, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगी। तब तक मुझसे शादी की कोई बात मत करना। क्या बातें हो रही दादी, मेरे बारे में तो नहीं हो रही? हाँ हाँ, तेरे बारे में कर रहे थे, हमेशा हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, तो मैंने सोचा तेरी शादी अपनी पोती से करवा देती हूँ। मैं प्रिया से शादी करूँ? वो कहाँ और मैं कहाँ, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों, तू उससे किस लिहाज से कम हो गया? या पढ़ाई में? उसने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और तूने जिंदगी को पढ़ा है, तेरी पढ़ाई उससे ऊंची है। देखो दादी मैं, शिवा मैं मरने से पहले प्रिया की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जाना चाहती हूँ बेटा। मुझे फिक्र है कि मेरे जाने के बाद उसका पता नहीं क्या होगा, उसके जीजा जी उसका ख्याल रख पाएंगे या नहीं, इसीलिए कहती हूँ तू मेरी प्रिया से शादी कर ले, उसे अपना ले। क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा? ठीक है दादी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, पर मेरी भी दो शर्तें हैं। पहली, प्रिया हंसी खुशी राजी हो जाए, और दूसरी, मेरे बड़े भाई राम मोहन को भी इस शादी में आना होगा। शिवा ये शादी किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, प्रिया को मनाना तुम्हारा काम है बेटा, और तुम्हारे भाई को यहाँ बुलाना मेरा काम है, ठीक है? माधुर तू तो वाकई जादूगर है, आखिर तूने अपने बड़े भाई राम मोहन को इंडिया आने पर मजबूर कर ही दिया। क्या बात है प्रिया, इतनी रात को? मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त बात करनी है? कल सुबह बात करेंगे, जाओ सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मुझे इसी वक्त बात करनी है। देखो प्रिया, मैं एक जवान लड़का हूँ, अगर इतनी रात गए तो मेरे कमरे में आओगी तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये ए, तुम दरवाजा लॉक क्यों कर रही हो? मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की तुमने? दादी की खातिर। झूठ बोल रहे हो। सही कहा, सिर्फ दादी के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने लिए भी कर रहा हूँ। फिर से झूठ बोल रहे हो। तुम शादी के लिए राजी हुए ना दादी की खातिर और ना अपनी खातिर, बल्कि उस माथुर के लिए। अपने भाई को इंडिया वापस बुलाने का ये तुम्हारे और उस माथुर का रचा हुआ प्लान है। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया, मेरा और माथुर का प्लान? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? मैं क्या वो भगवान भी तुम्हें नहीं समझ सकता? सच अ मिस्टीरियस गाय यू आर, कभी पागलपन का ढोंग रचाते हो तो कभी जीनियस होने का स्वांग रचाते हो, और कभी कभी फिलोसोफर बन जाते हो, और तो और गुंडों की तरह लोगों को पीटते भी हो। कौन तुम, इडियट, इनोसेंट, क्रिमिनल या राउडी? तुम जैसे इंसान से तो डर लगता है मुझे। अगर तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। प्रिया शिवा क्या हुआ बेटा? हाँ? क्या हुआ? देखा दादी ने भी सुन लिया, मैंने कहा था चली जाओ यहाँ से, तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया। जब दादी हमें एक साथ देखेंगी तो गलत समझ बैठेंगी, कहीं छुप जाओ छुप जाओ। क्यों? ताकि वो मुझे और गलत समझ ले? बाप रे बाप रे, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रखा है? प्लीज छुप जाओ प्रिया, प्लीज छुप जाओ। मैं नहीं छुपने वाली, दरवाजा खोलो तो। शिवा प्रिया प्लीज, शिवा प्लीज छुप जाओ, खोलो। दादी वो मैं अगर ये तेरे कमरे में आया होता तो मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाती। दादी वो प्रिया की गलती नहीं है। मैंने तुझे कहा था इसे शादी के लिए मनाना, लेकिन इस तरह नहीं कहा था।
इतनी आसानी से बच निकलाई। मैंने सोचा था उससे ज्यादा शातिर है ये। गुड नाइट। वी कैन डू इट। एक्सक्यूज मी। हेलो, रामोन हियर। हेलो, मैं प्रिया की दादी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाई शिवा की शादी तय कर दी है। शादी? एक मिनट। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉल। कैन वी मीट लेटर? या श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। यप। क्या कह रही हो दादी? शिवा शादी कर रहा है? और नहीं तो क्या? जब दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार हैं, तो मैं कौन होती हूँ उन दोनों को रोकने वाली? ठीक है, पर किससे कर रहा है? किससे कर रहा है क्या मतलब? मेरी पोती प्रिया से कर रहा है। प्रिया से? अब मैं क्या बताऊँ, उनका चक्कर तो मुझे शर्मिंदा करके छोड़ेगा। तुम आओ या ना आओ, वो दोनों शादी करके रहेंगे। देखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। मेरे आने के बाद शादी की बात करते हैं। शिवा की तो क्या बात है दादी, बिना हमें बताए प्रिया की शादी करने चली हो? आप हमारे पतियों से नाराज होंगी, पर हमारी क्या गलती है? अब बस भी करो, यहाँ कोई शादी वादी नहीं हो रही। ये सब उसका रचाया हुआ ड्रामा है, पर दादी को कौन समझाए? वो तो सोचती है कि मैं उसे चाहती हूँ। इसका मतलब तुम शिवा से प्यार नहीं करती? नहीं, हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी शिवा से हो जाए। प्रिया, उससे अच्छा लड़का तुम्हें और कहाँ मिल सकता है, और उसने हमारी कितनी मदद की है। हाँ प्रिया, जब से हम यहाँ से अपने पतियों के घर गए हैं, वो हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। शिवा ने हमारे दहेज की पूरी रकम दे दी है जो बाबा देने वाले थे। शिवा ने पैसे दिए? इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो इस घर का कर्ज भी चुका दिया। हमें अपना हिस्सा देने के बाद उसने ये घर भी तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या बात कर रही हो? मेरी बहनों ने मुझे सब बता दिया है। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुमने उन्हें दे दिए? ओह अच्छा, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझे माथुर ने दिए थे। फिर से झूठ कह रहे हो तुम। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे माथुर ने ही पैसे दिए। शट अप यू लायर। उस दिन 2000 रुपयों के लिए माथुर होटल में उस ड्रग डीलर से पिट रहा था, और अब तुम मुझे ये पट्टी पढ़ा रहे हो कि उसने लाखों रुपए तुम्हें ऐसे ही दे दिए। स्टॉप ब्लफिंग मी। कहाँ जा रहे हो तुम? भागने की कोशिश कर रहे हो? बताओ वो पैसे कहाँ से आए? प्रिया, मुझे पैसे माथुर ने दिए थे, अब मुझे कैसे पता कि उसे पैसे कहाँ से मिले? तुम्हें सब पता है, ये पैसे तुमने मेहनत से नहीं कमाए हैं। माथुर और तुमने मिलकर जरूर चोरी की होगी। छे। ए, मेरे सवालों के जवाब दिए बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तो तुम्हारी नजरों में मैं कोई चोर उचक्का हूँ? सही कहा, तुम भी चोर हो और तुम्हारा दोस्त माथुर भी। तुम दोनों चोर हो, क्रिमिनल्स, चीटर्स। अरे पैसों के लिए तो तुम जैसे लोग किसी का खून भी कर देंगे। रुको, तुम्हारे इस काले धन की कमाई से हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मेरी बहनें इस खून की कमाई से खुश रह पाएंगी? दीदी, इसके पैसे इसके मुंह पर मारो। हमारे बाबा ने ये घर मेहनत से बनाया है, हम इसे बेच देंगे। बस यही तरीका है कि हमारी तकलीफों का अंत हो जाए। मैं सड़क पर रह लूंगी, कोई फिक्र नहीं, पर इस तरह से काले धन की कमाई नहीं लूंगी मैं। जो पैसे मैंने दिए वो तुम्हारे बाबा के ही हैं। इन्हीं पैसों के लिए वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये पैसे तुम लोगों के ही हैं प्रिया, इसीलिए तुम्हें मिले। तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की थी, जैसा कि तुम लोग आज तक सोचते आए हो। सच तो यह है कि उनका मर्डर हुआ था। मेरे बाबा को किसी ने मार दिया? पर किसने? वो तो मैं नहीं जानता। पर तुम्हें ये बात कैसे पता कि मेरे बाबा का मर्डर हुआ? मुझे ये सारी बातें माथुर ने ही बताई हैं। वो तुम्हारे बाबा के कातिल को पहचानता है, वो सब जानता है, इसलिए माथुर ने उससे पैसे लिए और तुम लोगों को दिए। झूठ बोल रहे हो, फिर से झूठ। मैं नहीं मानती। हर बार तुम कोई कहानी गढ़ के हमें बेवकूफ बनाते हो। हम इज्जतदार लोग हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। गो, निकल जाओ मेरे घर से। दादी, मुझे पहले से इस पर शक था। उस रात मैं इसके कमरे में सच ही तो जानने गई थी, लेकिन जब आप अंदर आई तो आपने इसकी बातें सुनके मुझे थप्पड़ मारा। जैसा कि आप सब समझते, ये बिल्कुल भी सीधा नहीं है। Get lost. क्या कर रही हो? तुम बीच में मत पड़ो। तुम अब तक यही खड़े हो? मैंने कहा ना, निकल जाओ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। जाओ, जाके मर जाओ कहीं। प्रिया, क्यों बेटे लाल, खेल नहीं पाए ना? बाहर निकाल दिया ना तुझे। मुझे बाहर थोड़ी निकाला है, काम के सिलसिले में मुझे बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, तुझे भी कोई काम देता? अच्छा क्या काम है बता? मरने का काम है। अबे क्या, ये भी कोई काम है? हाँ, प्रिया ने मुझसे कहा कि जाके मर, इसलिए मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन सामने आप मिल गए, ये तो अच्छा शगुन है। अबे रुक। नारायण जी, क्या आप भी मरना चाहते हैं? हाँ? चलिए आइए चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, गुड बाय। लगता है पक्का पागलखाने वापस जा रहा है।
हेलो, मैं प्रिया की बड़ी बहन बोल रही हूँ। क्या आप दिल्ली पहुँच गए हैं? शिवा और प्रिया का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और शिवा घर छोड़ के चला गया। वो एनसीआर कॉलोनी के एक फ्लैट से प्रिया से फोन पर बात कर रहा है और कह रहा है कि वो खुदकुशी करने वाला है। गॉड, उससे बात करते रहो और दरवाजा खोलो। नहीं, शिवा, रुको, मैं ट्रैवल एजेंट से हमारी टिकट्स बुक करवा कर आता हूँ, ठीक है? प्रिया, राम सुनो, क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? मैंने देखा उसे। किसे देखा? कहाँ? शिवा को देखा। प्रिया, किसे देखा? क्या बोल रही हो? शिवा को देखा राम, वो अब तक जिंदा है। उसे मरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा। नहीं नहीं, वो नहीं मरा है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो जिंदा है राम। चलो मैं तुम्हें उसे दिखाती हूँ। प्रिया, राम, जब तुम टिकट बुक करने गए थे तो एक आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था, तब मुझे शक हुआ कि कहीं ये शिवा ही तो नहीं, इसलिए मैं उसका पीछा करने लगी। उसने मुझे देखा भी पर फिर वो भाग निकला। देखो वही आ रहा है सामने, ये वही है। अरे क्या है ये? सॉरी, इसे लगा तुम इसके दोस्त हो, माफ करना। रियली सॉरी, ये लीजिए। नो प्रॉब्लम, प्लीज। प्रिया, लगता है तुम अभी सदमे में हो। तुम हमेशा शिवा के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए वो तुम्हें दिखता है। मैं सच कह रही हूँ राम, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। वो मरा नहीं है राम। ओके ओके प्रिया, अब चलो चलो भी। इस देश में बिजली की समस्या कब हल होगी? लग जाओ काम पे। अरे हा? तुम यहाँ हो? हा? आज इतना अंधेरा क्यों है भाई? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे आज अमावस है ना? अमावस है? हा? मतलब अमावस का मतलब भूत पिकनिक मनाते हैं। अब बिना डरे यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और इसे किसी अंधेरी जगह में रख दे। चल जल्दी जाओ। फालतू जलालतू आई मारा को डालतू कहीं का? मेरी इतना जवाब पैदा ही कहाँ होते हैं? अरे भाई सुनो। अबे क्या हुआ? मैंने सोचा कि कोई अंधेरी जगह ढूंढकर इसे रख दूंगा, लेकिन मुझे कोई जगह नहीं मिली, सब जगह उजाला है। यार 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 रख, यार रख, मेरे सर पे रख। हट बेवकूफ, नालायक कहेगा, चल निकल यहां से। कहां से आ जाते? कौन है? कौन है बे? अबे ओ गोविंदा, तू ही है ना वहां पे? बाप रे। हेलो, कौन हो तुम भाई? ए सुनो, तू जो भी है बाहर आ जाओ, वरना मैं अलार्म बजा दूंगा, फिर ये सभी मिलकर तुझे पीटेंगे। ए सुन, आखिरी बार कह रहा हूं तुझसे, चुपचाप सामने आ जा, नहीं तो मुझे वहां आना पड़ेगा। नहीं आएगा ना? तो ठीक है, मैं ही आता हूँ।
मैं तुझसे डरता नहीं। भाई साहब क्या हुआ? क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या बात हो गई? यहाँ तो कुछ नहीं है। अच्छा, देखो वहाँ सेठी है क्या? सेठी नहीं, भूत है। क्या है, कौन है? बाहर है, बाहर है। वहाँ बचो, बचो, बचो। माजी, माजी समझा ये। अरे कहाँ है वो? देखो, यहाँ इधर देखो, इधर। तू ही देख। वो पक्का भूत ही था, इसलिए गायब हो गया। अरे, कोई बुरा सपना देखा होगा? नहीं सर, शिवा का भूत मैंने अपनी आँखों से देखा। चुप कर, कोई भूत भूत नहीं होता। अगर फिर से चिल्लाया तो दिखेगा तो जरूर चिल्लाऊंगा। तेरा भूत तोड़ दूंगा। चलो जाओ, पागल कहीं का सबकी नींद खराब कर दी। अरे शिवा, मरने के बाद भी तुम्हें अभी नहीं छोड़ रहा। पागल हो गया कहता, भूत देख लिया उसने। हाँ प्रिया, प्रिया क्या बात है दादी, वो देख। मेरा पासपोर्ट और टिकट दोनों के दोनों जल गए। मेरा पासपोर्ट, ये यहाँ कैसे? इसे तो मैंने अपने कमरे में रखा था। देखा तुमने, वो मेरे कमरे में घुसाया और मेरा पासपोर्ट भी जला दिया। लेकिन क्यों? ताकि तुम अमेरिका ना जा सको और तुम्हारे साथ मैं भी अमेरिका ना जा सकूं। अब तो यकीन हुआ ना तुम्हें, तुम्हारा भाई शिवा जिंदा है। मैंने उस दिन जिस आदमी को देखा था वो भी शिवा ही था, और आज नारायण ने जिसे देखा वो भी शिवा ही है, और आज जो हमारे घर में हुआ वो शिवा की ही करतूत है। अब बस ये जानना है कि आखिर वो है कहाँ और ये सब क्यों कर रहा है। इसके लिए माथुर को ढूंढना होगा। माथुर को जरूर पता होगा कि शिवा कहाँ पर है। क्या तुमने माथुर को देखा है? देखा है ना, एक बार जब मैं उस रेस्टोरेंट में गई थी। एक मिनट, ये रही उसकी फोटो, यही है माथुर। ये क्या, तुम किसकी फोटो दिखा रही हो? यही तो माथुर है। नहीं, ये माथुर नहीं है, ये मेरा भाई शिवा है। ये शिवा नहीं है, माथुर की तस्वीर है, यही माथुर है। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या मैं अपने भाई को नहीं जानता? यही तो है जिसने मेरे सामने सुसाइड किया, शिवा। ये मेरा भाई शिवा है। मतलब वो जो हमारे घर शिवा बनकर रह रहा था वो कौन था? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, कौन है वो? मेरा भाई बनकर उसने आपका भरोसा क्यों हासिल किया? क्यों वो आप लोगों के साथ रहा? इन सवालों के जवाब के लिए जैसा तुमने कहा था, हमें माथुर को ढूंढना ही होगा। नामुमकिन है, उसने हम सबको धोखा दिया। जब वो इतना शातिर निकला, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। उसने एक बात कही थी मुझसे, शायद उससे मदद मिले। माथुर IIT ड्रॉपआउट है। एक और झूठ बोला होगा तुमसे। शायद नहीं, एक बार मैं फंस गई थी, एक बहुत ही मुश्किल सवाल उसने तुरंत ही हल कर दिया था। वो जरूर IIT का स्टूडेंट है। ओके, ये सुराग काफी है। IIT चलते हैं। पिछले 3 सालों में यहाँ सिर्फ माथुर राम का कोई ड्रॉपआउट नहीं है, पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सत्यनारायण माथुर। यस, लगता ये वही है। कुड बी। उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे प्लीज। चेक करो। ओह गॉड, मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट इन इंडिया। एक ही स्टूडेंट है जिसे सारे IITs को टॉप किया है। बहुत ही ब्राइट है वो, ही इज अ रियल जीनियस। पर पिछले 1 साल से उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। He's missing. क्या मैं उसकी फोटो और एड्रेस देख सकता हूँ? Sure.
जुली, यहाँ तो कुछ नहीं है, किसी ने डिलीट कर दिया है। मैडम प्लीज फोटो पर क्लिक कीजिए। क्या हुआ? सत्यम शिवम सुंदरम। हेलो, मैं माथुर, सत्यनारायण माथुर बोल रहा हूँ। अबे माथुर के बच्चे, तूने उस लड़के को बचाने के लिए मुझसे लाखों रुपए ऐंठ लिए, वो तो फिर भी मर गया। ये किसने बोल दिया तुझे? वो तो बड़े आराम से घूम रहा है। अबे चुप कर, मुझे कोई गधा समझ रखा है? उसने अपने भाई के सामने अपनी जान दे दी और तुम कहते हो कि वो जिंदा है। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा? हाँ, फोन नीचे रख और एक बार दरवाजा खोल के देख। अच्छा वो ये नहीं बोला कि नंगा हो के नाच। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं सर? मैं शिवा हूँ, शिवा। बस अपना चेहरा छुपा लिया था, माथुर साहब ने कहा था ना। वैसे सर मैंने सही किया ना? तू सच में मरा नहीं? मैं जिंदा आपके सामने खड़ा हूँ सर। वही तो, तू सच में मेरे सामने खड़ा है। अच्छा तू एक मिनट यहीं पर रुकना। माथुर, ए माथुर, माथुर, ए माथुर। हाँ करेक्ट करेक्ट, तूने सही कहा, ये तो जिंदा है, ये तो साक्षात रूप में मेरे सामने खड़ा, मुझे दर्शन दे रहा है। तो अब तेरा शक दूर हुआ कि नहीं? क्रिस्टल क्लियर। तो जो मर गया था वो कौन था माथुर? ए मंत्री, ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। तू राम मोहन की फिक्र कर, अपने वादे के मुताबिक मैं उसे यहाँ लाया हूँ। अब हमारे सौदे को अंजाम देने की बारी है। तुझे अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ मुझे बिल्कुल याद है। मुझे 3 करोड़ मिलेंगे, तुझे 3 करोड़ मिलेंगे, बाहर जो लड़का खड़ा है उसे भी 3 करोड़। पर पहले मैंने उसे जो रुपए दिए हैं उसे मैं डिडक्ट करूंगा। राम मोहन को भी 3 करोड़ मिलेंगे, सही कहा ना? हाँ ठीक है। वेलकम सर, प्लीज। ये लो 3 करोड़ एडवांस, अगर बाकी के 9 करोड़ चाहिए तो वो भी पहुंचा दूंगा, समझे? ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, तूने अपने आप को बड़ी मुसीबत में डाला है। एक नाम का इस्तेमाल करके तूने मुझसे इतने सारे पैसे ऐठे हैं, अब गला तो तेरा भी कटेगा। और ये माथुर तुझे मुबारक, तू उस माथुर के लिए सोने की मुर्गी है। जब भी उसे पैसे की जरूरत होगी वो बस तुझे धमका देगा और तू मुझे धमकाने की सोचेगा, पर मैं यहाँ रहूंगा नहीं। हा? मैं अमेरिका चला जाऊंगा। एक और राम मोहन कहाँ से लाओगे? अगर वो मेरे पास पैसे मांगने आया तो क्या करूँ? ये तो पहले सोचना चाहिए था, उस 420 माथुर के आदमी को सब कुछ सच सच बताने से पहले। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसने वो चीजें बताई जो वो जानता था, मुझे लगा वो जानता ही है तो मैंने सच कह दिया। कहानियां मत बना, तूने इस माथुर को पैदा किया मुझसे पैसे ऐंठने के लिए, तूने उसे सब कुछ बता दिया। अरे मैं उसे क्यों बताऊंगा, तेरा भाई पागल है ना, उसने सब कुछ उगल दिया, उन्होंने ये प्लान बनाया और हम सबको टोपी पहना रहे। आवाज नीचे, तुझे लगता कि तेरा भाई मर के ऊपर चला गया ना, पर वो अभी तक जिंदा है और मजे ले रहा है। नो नो नहीं, यस बोल। कल वो मुझसे मिलने आया था। क्या कहा? मेरा भाई? हाँ। वो जिंदा है? हाँ। और वो तेरे पास आया था? बिल्कुल। अच्छा रुक, क्या ये था? और से देख, क्या यही था? तेरे बाप ने इसे कब पैदा किया? ये है मेरा भाई शिवा। ये शिवा कैसे हो सकता है? ये तो सुनामी का शिकार लगता है। वो तो बड़ा हैंडसम था, ये कहानी किसी और को सुना। मैं सच कह रहा हूँ, ये है मेरा भाई, मेरा सगा भाई, मेरा भाई जिसने अच्छे और बुरे में हमेशा मेरा साथ दिया। Come on, yeah, 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 hey, 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 come on, yeah, 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 hey.
ये हमारा, ये मंत्री जी का, ये हमारा। उस मंत्री को देने की क्या जरूरत है? उसने क्या किया है? उसने तो सिर्फ दूसरे अकाउंट से इस बैंक को चेक दिया और पुलिस को लगता है कि इस बैंक में चोरी हुई। मंत्री का क्या बिगड़ा है? बैंक तो उसका पैसा लौटाएगा, वो तो सेफ है, इसलिए अब ये सारा पैसा हमारा है। इस डील में उसका कोई हिस्सा नहीं है। तो वो क्या हमें ऐसे ही जाने देगा भाई? वो कर भी क्या सकता है, पुलिस के पास गया तो पुलिस उसे उठा के जेल में डाल देगी और उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, चकनाचूर। पर हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा वो, और इसीलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ। लेकिन भाई मेरा क्या? पहले अमेरिका मैं जाऊंगा और वहां जाकर विलियम से माल खरीदूंगा, वो तुम्हें बताएगा कि किसे पैसे देने हैं। और जैसे हम इन सारे पैसों से ढेर सारा माल खरीद लेंगे तो तू भी अमेरिका आ जाना। ओ ठीक है, गुड बाय टू इंडिया। कल सुबह की फ्लाइट से ही मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रिया से मिलूंगा। प्रिया? ये प्रिया कौन है? तेरी होने वाली भाभी। दिल का मामला है? हाँ, मैं उसके प्यार में पागल हूँ और उसी के साथ शादी भी करना चाहता हूँ। भाभी दिखने में कैसी है? खूबसूरत है ना? तू खुद ही देख लेना, चल मेरे साथ, मैं तुझे उससे मिलवाता हूँ। नमस्ते अंकल। अरे बेटा राम, आओ 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 अंदर आ जाओ। अंकल प्रिया, मेरी बड़ी बेटी के घर में फंक्शन है तो प्रिया अपनी दादी के साथ वहीं गई है। मुझे घर में थोड़ा काम था तो मैं रुक गया, वैसे उन्हें आने में देर हो जाएगी। बैठो बैठो बैठो। वो मैं प्रिया को एक बार बाय कहना चाहता, मैं सुबह की फ्लाइट से अमेरिका जा रहा हूँ, उसी के लिए तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप तो ये अच्छी तरह जानते होंगे ना अंकल कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। शादी से पहले मैं कुछ बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अमेरिका जाकर कुछ बनना चाहता हूँ, नाम कमाना चाहता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, आप प्रिया की शादी कहीं और मत कराइएगा प्लीज अंकल। अंकल, अंकल तुम वो, तुम ही हो जिसने वो बैंक लूटा था। बैंक? कौन सा बैंक? आप क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ अब मैं समझ गया हूं, वो तुम ही हो जिसने मंत्री को बैंक में मुझसे मिलवाया था और उसका बैंक अकाउंट खुलवाने वाले तुम ही हो। जिस दिन उस अकाउंट में 12 करोड़ क्रेडिट हुए थे दो लोग, यस वो दोनों तुम ही थे। तुम दोनों ने मिलकर बैंक लूटा। हाँ, और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, तुम्हारे साथ इसमें वो मंत्री भी शामिल है। क्या कह रहे हैं, हमने बैंक लूटा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने सोचा 12 करोड़ लेके आराम से अमेरिका भाग जाओगे? नहीं होने दूंगा, मैं फॉरेन पुलिस को खबर करता हूँ। अंकल, अंकल बेचारे अंकल। तो तूने उस बैंक मैनेजर को अरे बाप रे तूने तो बहुत बड़ा कांड कर दिया रे। अगर मैं उसे नहीं मारता तो हम जेल की रोटी तोड़ रहे होते। एक बात बता, अगर ये लड़का तेरा भाई शिवा है तो फिर वो लड़का कौन है जो बार बार अपने आप को शिवा कहता है? वही तो माथुर है, सत्यनारायण माथुर। सत्यनारायण माथुर? ए राम मोहन, तुझे क्या लगता मैं अलीबाग से आया हूँ? तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारा भाई शिवा नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो लड़का माथुर हो ही नहीं सकता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जब वो लड़का मेरे सामने था मैंने खुद माथुर से फोन पे दुनिया भर की बातें की थी। जब वो तुम्हारे साथ था तब तुमने माथुर से बात की? हाँ हाँ, और तीसरी बार हाँ। तुम कहते हो तो मानता हूँ कि वो माथुर है, तो फिर मैंने फोन पर किससे बात की थी? अरे फोन वाला ही असली था। सच तो ये है कि अगर वो मेरे पास आकर लूट के बारे में कोई भी बात करेगा तो मैं तो उसे मार ही डालूंगा ना। अरे इसीलिए तो वो अपने आप को बचाने के लिए बार बार इस लड़के को मेरे पास भेज देता है।
ओके, मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो एक बार आकर हमसे मिले। वो कैसे भैया? ये 3 करोड़ उसे खींच लाएगा। मैं तेरी निरंतर पूजा करूं माता धन लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। तू यहाँ क्यों आया बे? आपसे सूटकेस लेने के लिए। ऐसा माथुर साहब ने कहा मुझसे। क्या सूटकेस के बारे में उसे इतनी जल्दी पता चल गया? उन्हें सब पता है। आप मुझे सूटकेस दे दीजिए, मैं जल्दी से निकलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो? सर सच बता, क्या तू राम मोहन का भाई शिवा है? राम? ये राम मोहन कौन है सर? बाप बेटा, बहुत बढ़िया कही। पहले तूने कहा कि राम मोहन तेरा बड़ा भाई है, तू उसका छोटा भाई शिवा है, फिर मुझसे लाखों रुपए ऐंठ लिए और अब कहानी बदल रहा है। वाह 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 वाह, अब पूछता है राम मोहन कौन है? बाप बेटा, जैसे तू जानता ही है। ये क्या, मैंने आपसे कब कहा कि मैं राम मोहन का भाई हूँ सर? मेरा नाम है शिव सुंदर, कोई मुझे शिवा बुलाता है तो कोई सुंदर कह के पुकारता है। मैंने तो वही किया जो माथुर साहब ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास चला जा, मैं आ गया आपके पास, कहा कि पैसे लेकर आ जाओ, मैं लेकर गया, बस। माथुर ने मुझसे कहा कि तुम राम मोहन के भाई हो, इसीलिए मैंने तुझे लाखों रुपए दे दिए। पर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? माथुर साहब से पूछे ना। ठीक है, पूछता हूँ, अब भी पूछता हूँ, फोन करके पूछता हूँ, तू यही रुक। हेलो हेलो राम मोहन, तूने सच कहा था, जो आदमी मेरे पास आता है ना, वो तेरा भाई शिवा नहीं है, कहता है उसका नाम शिव सुंदर है और लोग उसे प्यार से शिवा कह के बुलाते हैं, और इस वक्त तो मेरे सामने बैठा है। वेरी गुड वेरी गुड, उसे जाने मत देना, मैं अभी पहुंचता हूँ। ओके ओके ओके। शिवा बेटा, बोलिए। माथुर ने तुम्हें भेजा ना इस सूटकेस को यहाँ से ले जाने के लिए? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं उन तक पहुँचा दूँ। बेटा, हर बार तुम अकेले जाते हो तो बहुत ही बोर हो जाते होगे ना, आज हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम, मैं और वो राम मोहन सब लोग साथ मिलकर उसके पास चलते हैं। क्यों सर, क्या आपको मुझ पर भरोसा? अरे नहीं, तुझ पे तो भरोसा है मुझे, पर उस माथुर पे नहीं है ना। लैंडलाइन बज रही है, अभी आया मैं। हेलो सर, मैं होटल के रिसेप्शन से बोल रही हूँ, विजिलेंस वाले आपके रूम में आ रहे हैं। क्या विजिलेंस? विजिलेंस मतलब इनकम टैक्स वाले ना? जी सर, वो बता रहे थे कि उनके पास खबर है कि आपके रूम में पैसों की लेन देन हो रही है। अरे लुटिया डूब गई। अरे बाप रे, इन्हें भी इसी वक्त आ रहा था क्या? चल मां लक्ष्मी, तुझे पहुँचा दूँ, कहीं और रख देता हूँ मैं। मर गए, यमराज की औलाद इधर ही आ रहे हैं। ओहो, अब क्या करूं? ओहो, दरवाजा बंद कर दो, मेरी जान ना निकल जाए। बहुत भारी है, इतने रुपए लाने की क्या जरूरत थी? माथुर साहब से मिले चलते हैं। चुप कर, माथुर के पास क्या करेगा? जब देखो माथुर मा... हाँ, तूने माथुर, माथुर नहीं तो तुझे भेजा है ना ये सूट के सिलाने के लिए। आप ले जाए कि आप मेरे साथ चलेंगे? अब चलूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी टंकी खुलने वाली है, तू निकल यहाँ से। अरे वाह, अरे अरे अरे, इधर आ, वहां से नहीं तो इस खिड़की से। यहाँ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? देखना, पर्दा खोल दिया, निकल ले तू यहाँ से, चल निकल ले। यहाँ से कैसे जाऊंगा सर? ये भी बताना पड़ेगा। अरे जैसे सुपरमैन जाता है, स्पाइडरमैन जाता है, रजनीकांत, चल उड़ ले। सब कोई आया, मैं जाऊं उड़ ले। अबे जाता है कि लात लगाऊं? आइए आराम से, आइए सभी लोग, आइए आराम से, देखिए कोना कोना छान मारिए, गद्दे के नीचे, तकिए के अंदर। कौन है ये लोग? विजिलेंस वाले हैं ये लोग। विजिलेंस? तो वो 3 करोड़ उसके साथ भेज दी मैंने। किसके साथ? अरे उस लड़के के साथ भेज दिए। तुमने उसे दे दिए? अरे तो और क्या करता मैं, अगर उसके साथ ही भेजता तो हाथ कड़ी लग जाती। सॉरी सर, हमें ये गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके रूम में 3 करोड़ रुपए काला धन है। किसने दी? कोई माथुर था। माथुर? सुनो प्रिया, क्या तुम्हें अब भी उसकी याद आती है? क्यों नहीं आएगी? उसने तुम्हारे घर का सारा उधार जो चुका दिया, तुम्हारी बहनों के ससुराल दहेज पहुंचा दिया, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दी उसने। पर जैसा तुम सोच रही हो
उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे तुम लोगों से प्यार था, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो अपने पाप धोना चाहता था। प्रिया, एक बात है जो तुम नहीं जानती, जैसा तुम सोचते हो तुम्हारे पिता ने आत्महत्या नहीं की, उनका मर्डर हुआ था। पता है मुझे। तुम्हें पता है? पता है, उसी ने मुझे बताया था। क्या ये भी बताया कि किसने किया? झूठा कहेगा, इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसी ने तुम्हारे बाबा को मारा है। उसी ने तुम्हारे बाबा के बैंक से 12 करोड़ रुपए लूटे। तुम्हारे बाबा को पता चल गया था और इसीलिए उसने उन्हें खत्म कर दिया। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि वो इस तरह का काम कर सकता है। उसने झूठ बोला और उसने बहुत सारी गलतियां भी की, लेकिन मैं नहीं मान सकती, बाबा को मारने जैसा नीच काम वो नहीं कर सकता। चलो मान लेते हैं, हो सकता है कि तुम सही हो। मैंने ना उसे देखा है ना उससे कभी बात की। हो सकता है ये काम उसका ना हो, पर उसके साथ एक और आदमी था ना, शायद ये उसकी करतूत हो, शायद उसने तुम्हारे पिता को मारा हो। तुमने क्या नाम बताया था उसका? माथुर। हाँ, सही कहा, माथुर। शायद इसके पीछे उसी का दिमाग। ऐसे में जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा, माथुर भी नहीं पकड़ा जाएगा। इससे तो बेहतर है हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें, वही उसे पकड़ कर सजा देंगे। कई बार उल्टा ना पड़ जाए प्रिया, उसे बिना जाने तुमने अपने घर में जगह दी। अगर पुलिस को पता चला कि चोरी के पैसे तुम पर खर्च हुए हैं, तो पता है पुलिस क्या करेगी? वो तुम्हें, दादी को, दीदी को, पूरे परिवार को जेल में बंद कर देगी। जल्दबाजी में फैसला मत लो प्रिया, जाने अनजाने में तुम भी अब इस पाप का हिस्सा हो। सही कहा, हम ही इस सब के जिम्मेदार हैं। जिन पैसों के लिए मेरे पापा को मार दिया, हमने वही पैसे लेकर बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो नहीं, असली गुनहगार तो हम हैं। और क्या करें, किसी को कह भी नहीं सकते, अपने बाबा के कातिलों को हम ही बचा रहे हैं। प्लीज शांत हो जाओ प्रिया, शांत हो जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे। प्रिया, आई लव यू। हेलो व्यूअर्स, आई एम प्रिया। कभी कितनों की जीने का सहारा, ये फैक्ट्री कई बरसों से बंद पड़ी है। आइए आज हम लोग जानते हैं इसकी वजह क्या है, आखिर इस फैक्ट्री को क्यों बंद करवा दिया गया। यही है हमारे इस हफ्ते की स्पेशल। सुनील, श्रीनिवास, कोई है? Thank you.
सबको बहुत पीटा और लड़की को साथ ले गया। बेवकूफो, नालायको, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। वो साय की तरह प्रिया का पीछा करता है, वो उसे हर खतरे से बचाता है, और इसीलिए मैंने आज प्रिया पर हमले का ये प्लान बनाया था, और तुम लोगों ने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। छी, पूरा प्लान चौपट हो गया। अब तक तो सिर्फ मेरे साथ पंगा ले रहा था, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रिया रुको, छोड़ो मुझे, मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी, मेरे पास में मत आना तुम। मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? राम मोहन का भाई हो कहकर पहले तो मेरे घर में घुस आए, क्यों? तुम्हारे पास तो सारे सवालों का एक ही जवाब है, माथुर माथुर माथुर। सच बताओ मुझे, ये माथुर कौन है? मैं ही हूँ माथुर, सत्यनारायण माथुर। अपनों के लिए सत्य, तुम लोगों के लिए शिवा, और बाकी लोगों के लिए सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो मैंने सुना वो सब कुछ सच था? तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगे, किसी को भी मार दोगे? नहीं, मैंने पैसे के लिए कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने ऐसे लोगों से पैसे छीने जिन्होंने खुद गलत रास्ते अपनाए। और इसका फैसला तुम करोगे? ऐसे गुनहगारों को सजा देने के लिए यहाँ पुलिस है, कोर्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे गुनहगार हैं जो कोर्ट और पुलिस से बच निकलते हैं, मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ। ऐसे लोगों को सजा देने के लिए भगवान है ना? भगवान खुद नीचे आकर कभी सजा नहीं देते, वो मुझ जैसे इंसानों को भेजते हैं गुनहगारों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। और अगर मैं गलत कर रहा हूं, तो भगवान किसी और को भेजेंगे मुझे सजा देने के लिए। उसकी मार से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तुझे सजा देने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। मेरे बाबा को मारकर तुमने हमें अनाथ कर दिया, इसीलिए भगवान ने मुझे तेरी मौत का जरिया बनाया। नहीं, नहीं, नहीं। मर जाऊंगा कहकर आज तक सबको डराते आए, आज तू सच में मरेगा। नहीं, नहीं। मैंने जो इंजेक्शन दिया है उससे तेरी शरीर का तापमान घटता जाएगा, तू एक झटके में नहीं धीरे धीरे मरेगा। तेरे गुनाहों की यही सही सजा है। हेलो, डॉक्टर ने दिया हुआ इंजेक्शन मैंने इसे लगा दिया है राम। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा झरना है, वो वहीं बेहोश पड़ा है। वेरी गुड, मैं अभी वहां आता हूँ, तुम वहीं रुकना। ओके ओके। हेलो, राम मोहन बोल रहा हूँ, प्रिया ने उसे पकड़ लिया है। वो जंगल में एक झरने के पास पड़ा हुआ है, अभी वहाँ पहुँचो। मंत्री जी, उसकी बस जबान नहीं बंद करनी है, उसे खत्म करना पड़ेगा। हाँ, अभी जाता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। प्रिया, वो कहाँ गया? वो वहीं पर है, जाओ देखो। पकड़ लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिया, तूने उसको फंसाया जिसने हम सबको फंसाया। अबे तेरी तो भूतरी के, अभी बताता हूँ। इसे क्यों पकड़ के ले आई? यही तो माथुर है। दिमाग खराब है? ये माथुर कहाँ है? ये तो बेचारा थोड़े थोड़े पैसे लेने के लिए आता रहता है, ये माथुर कहाँ है? माथुर तो कोई और है। मेरी बात मानो, यही माथुर है। इसने मेरे बाबा को मारा, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने इसे जहर का इंजेक्शन दे दिया। अरे ये क्या किया तूने? इसने तेरे बाबा को नहीं मारा, राम मोहन और उसके भाई ने मारा है। बैंक में चोरी भी उन्होंने की, और तुम्हारे बाबा को मारने वाले भी वही है। हाँ, माथुर को ये सारी कहानी अच्छे से मालूम है, और वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सिर्फ यही बता सकता है कि माथुर आखिर है कौन। एक मिनट रुको। माथुर, हेलो हेलो हेलो, राम मोहन। हाँ बोलो। अबे ये माथुर नहीं है, ये उसका असिस्टेंट शिव सुंदर है। बेवकूफ कहीं के, मैंने कहा था ना उसे खत्म कर देना। बेवकूफ किसे कह रहे? तेरा बाप बेवकूफ, तू बेवकूफ, तेरा खानदान बेवकूफ, तुम सब के सब बेवकूफों की टोली हो, पूरा खानदान बेवकूफ। कमीना। अरे अगर हम इसे जान से मार देंगे
तो असली माथुर को कैसे पकड़ेंगे? ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, उस पर नजर रखना समझे। अरे वो कहाँ जाएगा, बेचारा पहले से ही अधमरा है, कहीं नहीं जाएगा, तू जल्दी से आ जा। हेलो हेलो राममोहन राममोहन, वो लड़का और लड़की दोनों फुर्र हो गए। माथुर ये मैंने क्या कर दिया, माथुर ओह माय गॉड माथुर। सर आपके लिए फोन है। यस डॉक्टर साहब, मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया कहाँ से बोल रही हो, राम मोहन यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक मिनट उसे फोन देता हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, राम मोहन को इस फोन के बारे में प्लीज कुछ मत बताइए। लेकिन क्यों प्रिया, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो तो दरिंदा है, ये सब राम मोहन का किया कराया है, माथुर और कोई नहीं अपना शिवा ही है। राम मोहन ने यकीन दिलाया कि माथुर ही गुनहगार है और मैंने उसे इंजेक्शन भी लगा दिया। माय गॉड, अभी के अभी उसे हॉस्पिटल ले आओ, उसकी जान खतरे में है। अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले आई तो राम मोहन उसे मार डालेगा। अगर नहीं लाई तो भी वो मर जाएगा। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब। मैंने तुम्हें उस इंजेक्शन की दवा बताई है ना, उसे अभी कभी दे दो। और सुनो, कल सुबह तक उसे इसी दवा का एक और इंजेक्शन लगाना होगा। और एक बात का ध्यान रहे, इंजेक्शन लगाने के बाद उसके शरीर का तापमान न गिरे, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। उसके लिए जो बन पड़े वो करो। ओके डॉक्टर, ओके थैंक्स। ठीक है ना बेटा, वो तुझे मुझसे बचा कर यहाँ ले आई, माथुर ने तुझे चूना लगाया और उसे यहाँ से ले गया, अब हम सारे के सारे मुसीबत में हैं। लगता है लड़की का फोन है, ये ले। और सुन, मेरी गाड़ी कहाँ लेगा ये पूछ लेना। हेलो, मैं माथुर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे, माथुर? क्या माथुर? हेलो, ए माथुर, सत्यनारायण माथुर, पहचाना नहीं, डेविड राजू। क्यों क्या हुआ, साफ सुन गया? काफी हिसाब चुकते कर रहे हैं मुझे तेरे से, पर उससे पहले कि मैं वो सेटल करूं, तेरा एक मेहमान मेरे घर पे वेट कर रहा है, ले बात कर ले। हेलो माथुर, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कौन है ये लोग, इन्होंने मुझे क्यों किडनैप किया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो प्रॉब्लम, वो सब समझ गया, तूने भोला बनकर मुझे टोपी पहनाई और मेरा माल चुरा कर भाग गया। 1 करोड़ का माल था वो, फिलहाल मेरे पास 13 कीमती माल है जिसकी जान की कीमत है 2 करोड़। वो 3 करोड़ जो तेरे पास है चुपचाप लाकर मुझे दे। क्या बकवास कर रहा तेरे साथ, ला फोन मुझे दे। अबे माथुर कमीने, बच्चे से क्या बात कर रहा है, दम है तो आके मुझसे बात कर। ए, कबाब में हड्डी, तू कौन है? तेरा बाप हूँ बे। अच्छा तो बापूजी, इस लौंडिया को छुड़ाने के 3 करोड़ रुपए तू देगा क्या? फिर से 3 करोड़ रुपए? ये ले, लगता डर गया मुझसे, तू बात कर, तू ही समझा उसे। बता बे, पैसे कहाँ लेकर आना होगा मुझे? That's good. पहाड़गंज इलाके में एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, हम उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं। वहाँ पर पैसे लेकर पहुँच जा ठीक शाम 5 बजे। अपने भोलेपन का नाटक मेरे सामने मत खेलना, और सुन बच्चे बिल्कुल अकेले आना। क्यों दिमाग चकरा रहा है ना, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ एक आदमी है जो हम दोनों को जानता है, बिल्कुल तेरे पीछे ही खड़ा है, जरा मुड़ कर देख ले। राम तुम? यस, इन्होंने इशारा दिया और हमने काम किया।
प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्रिया की जान खतरे में है। उसने कहा पैसे लेकर अकेले आना। नामुमकिन, जब तुम उसे 3 करोड़ दोगे हम सारे वहीं होंगे। इस बुड्ढे को कौन समझा? वाह बेटा, अब तू मुझे गाली दे के पुकार रहा है। क्या कह रहा है बुड्ढा? DID बैंक में 12 करोड़ का चेक देने की सजा मैं अब तक भुगत रहा हूँ। खैर जो हुआ सो हुआ, ये तो बता कि वो पैसे तूने कहाँ छिपाए? अबे बोल। प्रिया के घर पर। प्रिया के घर पर? सुनो रे, चलो गाड़ी निकालो, तू भी चल। हाय 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 रे हाय, कितना मुरझा गया हूँ मैं। इस वॉचमैन की नौकरी की वजह से सलमान खान गॉडज़िला बन गया है। क्या बात है नारायण, तू कौन बनेगा करोड़पति का अमिताभ बच्चन दिख रहा है? वो तो तू सही बोल रहा है मेरे भाई, तू शक्ति के बूट दिख रहा है। अरे तूने एकदम सही कहा। मैं पहचानने में गलती नहीं करता, वॉचमैन आखिर वॉचमैन ही होता है, शक्ति कपूर। अरे ये चेहरा बदल कैसे गया मेरे भाई, मैं तो वाकई गॉडज़िला जैसा दिखने लग गया। ये चेहरा तो और भी बदसूरत है, मैं तो उस नीच पापी नागिंदर की जैसे दिखने लग गया हूँ। क्या बोला तू मुझे, क्या बोला फिर से बोल। अब तू तो गया, अगर बारी डालोगे तो 10,000 कैसे लौटाऊंगा? अब 10,000 के 35,000 हो चुके हैं। 10,000 पर 25,000 का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट और डॉक्टर के बिल के साथ। डॉक्टर का बिल? वो क्यों? उस दिन तेरे पीछे भागते भागते भाई गिर गए, टांग टूटी, तो डॉक्टर का बिल। अरे ठीक है भाई, पहले नीचे तो उतारो, मैं पैसे दे दूंगा। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे थैंक यू यार। अपनी टांग मुझे दे दे। टांग के बदले टांग। तूने मेरी एक टांग तोड़ी, मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरा बचने के लिए क्या करना चाहिए? पूछ रहा है? भाग जा। अरे ये तो घोड़े की तरह भाग रहा है। तो आप घुड़सवारी कर लीजिए टूटी टांग के साथ। चल भाग, पकड़। ए चलो। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे भाई साहब, आपने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? किसने नागेंद्र की टांग तोड़ी? लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये तो पेपर में भी छप गया है। छप गया? भाई की बेइज्जती होगी रे। अरे नालायको, ये मीटिंग किस खुशी में कर रहे हो? आपकी टांग टूटने की खबर पेपर में आ गई भाई। पेपर में? अरे लेकिन पेपर वालों को ये खबर किसने दे दी? जिसने टांग तोड़ी उसी ने खबर दी होगी। मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। आगे क्या लिखा है ये बताओ बताओ। मिस्टर नागेंद्र सिंह जी बड़े ही भले आदमी है। अच्छा, आगे पढ़ो। और अपनी भलाई को जाहिर करते हुए उन्होंने 35,000 का कर्ज माफ करने का फैसला किया। और तो और, अपनी टांग तोड़ने वाले को भी उन्होंने दिल से माफ कर दिया है। मेरा दिल तो मूंग की तरह है। क्या फालतू की बात कर रहे हो? आपने उस नारायण को माफ कर दिया क्या? हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो पेपर पढ़ के बता। छपा तो पेपर में है और पढ़ाई इस नाचीज में है। बात तो सही है। अच्छा मुझे दिखा, यहाँ लिखा है। दिखा? देखो कहाँ है? मिल गया, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, जाने मत देना। सुनो, मैं जा रहा हूँ उसे पकड़ने, तुम लोग डंडे से मारो। ठीक है, पकड़ लिया। ए चल चल चल, तू जाओ डंडा उठा, मैं इसे पकड़ता हूँ, चल जा। अरे भाई जल्दी मार, भाग के कहाँ जाएगा। एक ही बार में दोनों टांगे टूटने चाहिए मेरे भाई। दिखाता हूँ मैं भाई, एक दो। ये क्या हो गया? अरे मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। अरे छोटो, ये दोनों टांगे टूट गई। अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे पकड़ो, क्या कर रहे हो? ये कैसी आवाज थी? अरे ये नारायण का दोस्त सुंदर है ना, इसे पकड़ लेते हैं, वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, पिस्तौल से गोली निकलेगी। हाथ उठाओ, हाथ ऊपर। वेरी गुड। अब ये वानर सेना किसकी है? माथुर की गैंग के? नहीं, नागेंद्र की गैंग के हैं। नागेंद्र के गैंग के? इस शहर में कितने गैंग हैं? तेरे पास भी तो गन है, तू किस गैंग का है? जवाब चाहिए। सीक्रेट है क्या? अबे चुप, तुम इसे कैसे जानते हो? अबे तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। अबे ये तो फिर से भाग रहा, गाड़ी निकालो। ओके बॉस। अरे वो बौना कहाँ भाग गया? लंगड़ा बना गया मुझे। अरे पकड़ो से। अरे वो गाड़ी के अंदर है। मेरे आने तक अपने हाथ ऐसे हवा में ऊपर रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। हाथ ऊपर ही रखेंगे सर, आप जाइए। अरे गाड़ी को रोको, नारायण उसी गाड़ी में है। अरे रोको उसे। हम उसे कैसे रोकेंगे भाई, हमारे पास है डंडे और उसके पास है गन। नो, चाहे गन हो या तोप, आई डोंट केयर। अरे पकड़ो उसे। ए नारायण, नारायण नीचे उतर,
अरे ए ड्राइवर, अरे रुको, अरे ए ड्राइवर सुनो, उस गाड़ी का पीछा करो, okay, चलो जल्दी करो, जल्दी अंदर आ, जल्दी से बैठो, चलो जल्दी। से भाग गया भाई, चलो आप चलो। अच्छा ड्राइवर कहाँ से खोज के लाते हो जो आधी बात सुनता है पूरी मानता है। अरे चलो देखा क्या धमकी दी मैंने, तुरंत पैसे दे दिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसकी जान चाहिए। कहाँ है तू माथुर? तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले ये ले ये ले, मैं दे रहा हूं ना। एक काम कर, तू लूट के सारे पैसे तू ही रख ले, मुझे मत मार। तुझे प्रिया भी चाहिए ना, आजा आजा आजा। प्रिया प्रिया तुम इसके साथ जाओ, ओके इसे ले जा, ले जा इसे और मुझे छोड़ दे। नहीं नहीं मुझे छोड़ दे, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, बता क्या चाहिए तुझे? तेरी जिंदगी चाहिए मुझे। मेरी जिंदगी? हाँ सिर्फ तेरी जिंदगी और कुछ नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तूने बड़ी ही बेरहमी से मेरी छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। मैंने तेरी बहन को नहीं मारा, नहीं नहीं, मैं तो तेरी बहन को जानता तक नहीं, नहीं जानता मैं उसे, नहीं जानता, नहीं जानता। भूल गया, कैसे भूल सकता है तू? उस दिन बैंक में तूने एक बेगुनाह लड़की को गोली मार दी थी, वो मेरी छोटी बहन थी। पुलिस वहां खड़ी तमाशा देख रही थी और तूने उसका कत्ल कर दिया। कानून इस मामले में तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ड्रग माफिया का नाम देकर केस को रफा दफा कर दिया। उस फाइल को दोबारा मैंने खोला, ड्रग माफिया की खोज में मैंने डेविड राजू का गैंग ज्वाइन किया। इंक्वायरी करने पर मुझे मालूम पड़ा कि इसमें पूर्व मंत्री विश्वनाथ का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसी ने मेरे सामने इसका और इसके छोटे भाई का भी पर्दाफाश किया। फिर मैंने मंत्री को विश्वास दिलाया कि मैं इसका छोटा भाई हूँ,
ताकि ये अमेरिका से भागकर यहाँ इंडिया आने पर मजबूर हो जाए। उस दिन मेरी मासूम छोटी बहन बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसका इंजीनियर भाई वापस लौट कर आएगा। वो बैंक में मेरे एग्जाम की फीस भरने आई थी और तूने उसे शूट कर दिया कमीने। लक्ष्मी भगवान, मेरे बच्ची, मैं शिवा नहीं हूँ, मैं राममोहन का भाई नहीं हूँ, मैं नहीं जानता वो कौन है। क्या? हेलो शिवा, राममोहन बोल रहा हूँ। क्या हुआ, अपने भाई से बात नहीं करेगा? हेलो शिवा, चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं मेरे भाई को यहाँ नहीं बुलाऊंगा। आना पड़ेगा उसे, मैं तुझे जरिया बनाकर उसे यहाँ खींच लाऊंगा। वो फिर भी नहीं आएगा। उसने मुझे बताया कि राम मोहन तुमसे बहुत प्यार करता है। इसे भाई की परवाह नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि तुम्हारा प्यार इसे यहाँ खींच कर जरूर लाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया कि मैं एक सुसाइड मेनियाक हूँ। मेरा प्लान था कि इसका भाई आत्महत्या करे और मैं इसे मार दूं, और इसी प्लान के सहारे मैंने इसे इंडिया बुलाया था। शिवा प्लीज फोन मत काटना। शिवा की अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है, शिवा का काम अब यहाँ खत्म हुआ। गुड बाय। चाहिए मुझे वो, चाहिए। नहीं जल्दी भी क्या है, देता हूँ। लगता है तू भूल गया तेरा भाई यहाँ आने वाला है। बता तुझे तेरा भाई चाहिए या फिर ये नशा? मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, देना। ये पेट्रोल है, उसे इसमें भिगो कर उसे जलाकर मार डाल। मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा। अब देना, देना, तुझे सुना नहीं देता क्या? देना। ए शिवा, नहीं शिवा, दरवाजा खोल, मैं कह रहा हूं ना। नो, नहीं ऐसा मत करो। मेरे प्लान के मुताबिक उसे मारने से पहले तू वहां आ पहुंचा था, पर अब मैं तुझे छोड़कर एक और गलती नहीं करूंगा। माथुर! ए माथुर, गन नीचे फेंक। मैंने कहा फेंक दे। फेंकता है कि नहीं? ए, गोली चला, मार दे इसे। ए माथुर, तुझे 3 करोड़ दिए थे ना, पैसे लेकर भाग जा। माथुर भाग जा। हलवा है जो भाग जाएगा, मैं उसे जाने दूंगा क्या?
अबे माथुर, मेरे बंदूक की गोलियां तेरा ही इंतजार कर रही थी, अब तू बचकर कहां जाएगा? अबे पागल बूढ़े, माथुर ये नहीं, माथुर ये है। और मैं हूँ जेम्स बॉन्ड 007। अबे बकवास बंद कर, बेवकूफों का खानदान। सुन बे माथुर, ऐसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे और बंदूक नीचे कर। इसकी बात मत सुन, तू इस पर गोली चला। चल। लगता है पहले सर्कस में काम करता था। चुप, जाओ जाकर पकड़ो उसे, जाओ। चलो छोड़ मुझे, छोड़। ए, आगे मत आना। देख आगे मत आना, मैंने कहा ना आगे मत आना। आगे मत आ, मैं कह रहा हूं ना आगे मत आना। ए, रुक जा। मुझे मत मारना माथुर।
ने इस डंडे से आईपीएल का छक्का मारा क्या? क्या धुआंधार धमाका हुआ है? अरे चिल्ला मत, पुलिस को बता देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चुप। और कोई नहीं, मैं ही बताऊंगा। अरे गिनती तो कर लेगी कितने लोग हैं। चलो। राम राम, जाने दो इसे। जो भी पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते अपनाएगा उस पर खतरे की तलवार मंडराती रहेगी और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। गॉड इज ग्रेट। आदमी जो ऊपर से गिरा था गायब कहाँ हो गया? अरे सुन रे, हाँ भाई, तुझे एक अच्छा चांस मिलने वाला है। क्या चांस है भाई? सबको बोल रहा हूँ ऊपर से नीचे गिरने वाले आदमी को तूने मारा है। पर क्यों भाई? तू मेरा छोटा भाई है ना, तुझे भी नाम कमाना चाहिए। आइडिया थोड़ा चेंज करते हैं भाई। मुझे नाम वाम नहीं कमाना, जेल जाने के लिए उस तरह की पर्सनालिटी चाहिए ना। मुझ में है क्या? नहीं है ना, खुद को देखो, हटे कटे भीम समान आप जाओ। अरे चलो देखते हैं कौन गिरा। चलो चलो, कितने लोग गिरे भाई? मैं भी तो उसे ही ढूंढ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? गिरा नहीं, बात समझ में नहीं आई। ऊपर से गिरा तो था लेकिन नीचे तक नहीं आया। नीचे नहीं आया? नहीं है भाई। क्या शॉट मारा आपने? एक शॉट में इतने सारे हवा में उड़ गए, अभी तक नीचे नहीं आया। चुप कर बे, लगता है तू मुझे जेल की रोटी खिला कर रहेगा। अबे कौन ऊपर से नीचे गिरा? माथुर ही गिरा ना। माथुर था कौन था पता नहीं, जो भी था लेकिन अब तक नीचे नहीं पहुंचा। क्या तेरा मतलब है? वो माथुर फिर से भाग गया? हाँ, लगता है बीच से ही बच के निकल गया। अरे भाग के जाएगा कहाँ? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ और इसी पल से चाहे वो जहाँ भी हो उसे धर दबोचना मेरी जिंदगी का लक्ष्य रहेगा। चलो साथियों, मिशन माथुर, पर पहले चलकर नाश्ता करेंगे। चलो। हाँ चलो। तू कहाँ जा रहा है? उस डेड बॉडी का इंतजार नहीं कर रहा है क्या? अरे वही तो ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। हाँ शौक से जाओ, लेकिन अगर पुलिस ने पूछा तो कह दूंगा कि तुमने फोन किया। नारायण जी, मेरे अच्छे नारायण जी, हम लोग का झगड़ा भूल जाइए, मैं भी भूलने को तैयार। तो मेरी टांग तोड़ने का प्लान और उस 35,000 का क्या होगा? चुप कर। 35,000? कौन से 35,000? माफ किया। अच्छा? क्या माफ किया? बढ़िया। अरे तू ऊपर क्या देख रहा है? अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? सुन, पहले की और तंग करें, भाग ले चल। बाय बाय।